हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सिक्कत। सो गाइस, टुडे वी आर सॉल्विंग द पेपर नंबर 11 ऑफ बायोकेम टेस्ट सीरीज व्हिच इज बिलोंग टू जूलॉजी एंड टॉपिक इज दैट लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो गाइस, द सॉल्यूशन विल बी इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, सो वी कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट मैच। रिमेंबर गाइस, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, ऑलवेज यू हैव टू डू अंडरलाइन इनकरेक्ट और करेक्ट, क्योंकि बाद में क्वेश्चन गलत हो जाता है जब अपन ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द वेरियस इवेंट्स ड्यूरिंग नर्व इंपल्स जनरेशन ऑफ दियर रीजन। ये कह रहा है कि जब नर्व कंडक्शन होता है, यानी कि न्यूरोन में जब मैसेज फ्रंट टू बैक की तरफ ट्रांसमिट होता है, आई मीन टू सेल बॉडी से लेकर एक्सोन की तरफ जब ट्रांसमिशन होता है, तो एक्सोन के अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होती है जो इस कंडक्शन को आगे से आगे प्रोसीड करती है। ठीक है, और यहां पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जो मैचिंग है, कौन से इवेंट्स होते हैं। जैसे अपन को पता, तीन इवेंट होते हैं नॉर्मल स्टेज में पोलराइज, जब भी इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, फिर डीपोलराइजेशन होता है, उसके बाद में रीपोलराइजेशन, और जो नर्व है वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है, यानी कि पोलराइज स्टेज में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ इवेंट है और इवेंट से उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ठीक है, तो तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति के दौरान कौन सा गलत है, इसमें से इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं डीपोलराइजेशन। आपको बहुत अच्छे से पता है ये पोलराइज स्टेज होती है बार प्लस अंदर माइनस, और डीपोलराइजेशन जब होगा तो माइनस माइनस अंदर हो जाएगा क्या, प्लस प्लस, यानी एक्सोलिमा की परमेबिलिटी एब्सोल्युटली चेंज हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। तो डीपोलराइजेशन में ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल, ये कह रहा है कि इस टाइम जब डीपोलराइजेशन होता है तो सोडियम चैनल जो होते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। एब्सोल्युटली सोडियम चैनल ओपन होंगे तभी सोडियम आउटसाइड से कहां जाएगा, इनसाइड की ओर मूव करेगा, तो अंदर की पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और बाहर पॉजिटिव कंसंट्रेशन रेस्पेक्टिवली कम हो जाएगी, बाहर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए साहब, तो ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पर हिंदी में कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है ये थी पोलराइज, ये हो गई डीपोलराइज, अब हो रही है कौन सी रीपोलराइजेशन, तो डेफिनेटली ये वापस अपनी नेचुरल पोजीशन को रीगेन कर लेगी नर्व। इंपल्स था, मैसेज था, मैसेज को अगले न्यूरॉन में कन्वे कर दिया, फिर इसकी कोई नीड ही नहीं है, तो ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी, सो दैट नेक्स्ट जो स्टिमुलस आ रहा है, नेक्स्ट जो मैसेज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके फिर उसको फर्दर प्रोसीड कर दे, सेम सीक्वेंस को रिपीट करेगी। अगला आता है रीपोलराइजेशन, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। बिल्कुल सही बात है, पोटेशियम गेटेड चैनल है वो डेफिनेटली क्या होंगे, ओपन होंगे, ओपन होंगे तभी तो पोटेशियम क्या आएगा, अंदर आएगा, पोटेशियम अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर पॉजिटिविटी का माहौल वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे की ओर, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है मोर नेगेटिव, यानी कि अपन को पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो माइनस माइनस 70 मिलीवोल्ट होता है, करेक्ट, और हाइपर रिपोलेशन में ये मैटर 90 मिलीवोल्ट तक जा सकता है नेगेटिव में। ऐसा क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पोटेशियम। तो इसमें हाइपर पोलराइजेशन क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड चैनल, नो क्लोजर नहीं होगा, इसमें तो पोटेशियम की ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, और पोटेशियम ओज कैसे क्लोज, क्लोज कर दोगे तो फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी होगी तो फर्दर मूव नहीं करेगा ये, सो हमें पोटेशियम चैनल या क्लोजर नहीं करना है, हमें यहाँ पर ओपन करना है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, एब्सोल्युटली रोंग। अति ध्रुवण पोटेशियम गेटेड चैनल का बंद होना, बंद नहीं भाई खुलना होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन मिल गया आपको 30, तो इसका इनकरेक्ट ही पूछा इन्होंने, तो आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। फोर्थ वाला भी देख लेते, पोलराइज स्टेज आप जानते ही हो, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और इसे रेस्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, कि कोई कंडक्शन नहीं होगा, मेनली लीकी चैनल्स एंड सोडियम पोटेशियम पंप वर्क्स। वी नो वेरी वेल कि लीकी चैनल ऑलवेज ओपन रहते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो तीन सोडियम को बाहर निकालता है एक्सोलिमा से, दो पोटेशियम को अंदर लेके आता है, और इस कंडीशन में ये स्टार्ट होता है। ओनली डीपोलराइजेशन कंडीशन ऐसी है जहां पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बंद होगा, अदरवाइज सारी स्टेजेस में जो भी कंडक्शन के लिए रिलेटिव है उनमें सब में ऑन होता है। ठीक है ना, स्टार्ट रहता है। तो करेक्ट आंसर इज 3, के भी 3 वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ओके गाइस, टेक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दैट। सेकंड क्वेश्चन इज डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं आपको, है ना।
सेकंड क्वेश्चन, डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है आपको, इस डायग्राम को मैचिंग कराना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं क्योंकि सब कुछ आपके सामने होता है, सो इजी टू सॉल्व। करेक्ट आपको इसमें से सिलेक्ट करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इस डायग्राम को आपके नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक जो है उसके अंदर दे रखा है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के अंदर। सी है वो क्या है, बेसिकली एक्सॉन है, करेक्ट। सी जो है आपके वो क्या आ गया, एक्सॉन आ गया है। डी जो है वो है आपके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और बी जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर है बेसिकली। नो डाउट ये रिसेप्टर जो होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होते हैं, सो डायरेक्टली एनसीईआरटी में यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रिसेप्टर्स, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं ना। नेक्स्ट आता है ए, ए तो डेफिनेटली आपको पता ही क्या होगा, कंडक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है हमें, न्यूरो ट्रांसमीटर की, ये आ जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर। तो आप मैच करा लो इसको, बहुत इजीली मैच करा लोगे आप। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखो, ए न्यूरोट्रांसमीटर है, बी रिसेप्टर्स है, सी एक्सॉन है, डी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। सो करेक्ट आंसर इज 4 ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, द ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन, ये बात कर रहा है मायोसिन का हेड, और आपको बहुत अच्छे से पता है मायोसिन का हेड ऐसा होता है जिसकी यहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, इधर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, बिल्कुल ये बाई पोलराइज्ड स्ट्रक्चर होती है इस तरह से। ये लीजिए, ये आ गई आपके एक्टिन बाइंडिंग और ये एटीपी बाइंडिंग, ये एटीपी बाइंडिंग है और ये एक्टिन बाइंडिंग है, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। अब इसमें देखो आप, इस मायोसिन के हेड के अंदर क्या होता है, तो ये कह रहा है कैल्शियम, लार्ज क्वांटिटीज कैल्शियम का यहाँ पर कोई लिंक नहीं होता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से बाइंड होता है, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन में काम करता है, जो अनमास्किंग करता है, सो दैट एक्टिन जो है उसकी एक्टिव साइड ओपन हो जाती है और वहां पर मायोसिन का हेड आकर अटैच हो जाता है और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन प्रोटीन कभी भी मायोसिन में नहीं मिलेगा, यू नो वेरी वेल, ये भी एक्टिन के अंदर आता है, ये भी एक्टिन में आता है। फिर आता है एटीपीएज एंजाइम, एब्सोल्युटली एटीपीएज एंजाइम उसके अंदर हेड के अंदर होता है, वो क्या करता है जैसे एटीपी बाइंड होता है ना इससे, तो ये जो एटीपी बाइंड हो रहा है ये एंजाइम कौन सा, एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंस प्लस साथ में एमजी प्लस टू की प्रेजेंस में ये क्या करता है आपको पता है, इसको एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी क्रॉस ब्रिज बनाने में और मसल कॉन्ट्रेक्शन में यूटिलाइज होती है। तो डेफिनेटली इसके अंदर जो पड़ा है वो कौन है, एटीपीएज है, एटीपी का कोई लेना देना नहीं, एटीपी तो बाइंड होगा, साइट है ये, तो एटीपी बाइंडिंग साइट है, इसका मतलब ये थोड़ी कि एटीपी इसके अंदर है, एटीपी तो अंदर होता तो कॉन्ट्रेक्शन होता ही रहता फिर तो, ठीक है, अंदर ही एंजाइम है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए हमें किसकी नीड होती है, एंजाइम की। सो करेक्ट आंसर इज 3rd ऑफ क्वेश्चन 3rd। ओके गाइस, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज परफॉर्म्ड बाय स्पर्मेटोजोवा ऑफ ह्यूमन, यानी स्पर्म की मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है कि ह्यूमन के अंदर स्पर्म की मूवमेंट कैसी होती है, किस पैटर्न की होती है। पहला दे रखा है सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट तो आपको पता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ट्रेकिया इसमें मिलती है, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। अमीबॉइडल आपको पता ही, अमीबॉइडल मूवमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है, डब्ल्यूबीसीज के अंदर होती है, ल्यूकोसाइट्स के अंदर होती है, स्पेशली मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, पीएमएनएल सेल्स, ओके, एंड मैक्रोफेजेस वगैरह। मस्कुलर मूवमेंट कोई लेना देना ही नहीं, स्पर्म कोई एक मस्कुलर स्ट्रक्चर तो है नहीं। चलिए फिर रह गया फ्लेजिलर मूवमेंट, बिल्कुल फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं होते बट फ्लेजिलर लाइक मूवमेंट शो करता है कौन, स्पर्मेटोजोवा। सो करेक्ट आंसर इज 4। ओके गाइस, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए आप, जॉइंट, जॉइंट फाउंड इन द हेड ऑफ अपर आर्म, हेड ऑफ अपर आर्म का मतलब कौन सी बोन हो गई, हुमरस, ये हुमरस का हेड आ गया फॉर एग्जांपल, एंड पेक्टोरल गिर्डल, और पेक्टोरल गिर्डल कौन सा होता है, शोल्डर गिर्डल ही होता है, उसी का ही दूसरा नाम है, तो यहां पर ही आ गया पेक्टोरल गिर्डल, ये आ गया पेक्टोरल गिर्डल, और ये जो कैविटी है उसका नाम अपन को पता है कौन सी है, ग्लेनोइड कैविटी है, और यहां पर ये कौन सा जॉइंट बन गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये पूरा किस टाइप का जॉइंट बन रहा है, फाउंड हेड ऑफ दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो करेक्ट आंसर इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसे देखिए आप, सेलेक्ट द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मायस्थीनिया ग्रेविस, और आप बहुत अच्छे से जानते हो मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है,
और इस डिजीज के अंदर जो हमारी बॉलीवुड की पर्सनालिटी है, सबसे बड़ी पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन, वो भी इससे सफर्ड है। तो ये जो डिजीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, नो डाउट, अपनी बॉडी के अगेंस्ट में ही इम्यून सिस्टम की फेलियर की वजह से सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, उस वजह से उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाती है और ये जो एंटीबॉडीज है वो पर्टिकुलर साइट को डिस्ट्रॉय कर देती है जहां पर ये एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है, यानी कि रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करती है, रिसेप्टर के अगेंस्ट में बनती है, एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में नहीं बनती है। तो इसको ऑप्शन को आप पढ़िए अच्छे से। तो क्या सही है ये पूछ रहा है, इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बिल्कुल सही बात है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट कॉजेज इनसफिशियंट एसिटाइल कोलिन, नो, एसिटाइल कोलिन की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, अच्छा कहां से एसिटाइल कोलिन है, अगर एसिटाइल कोलिन डेफिशिएंसी होगी तो वो डिजीज किसी और में कन्वर्ट हो जाएगी। एंटीबॉडीज आर डेवलप अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन, बिल्कुल एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज हमेशा किसके अगेंस्ट में बनती है, रिसेप्टर के अगेंस्ट में। तो इसके यहां पर भी यही सेम फंडा है, एंटीबॉडीज आर फॉर्मड अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। सो गाइस दैट इज करेक्ट एंड दैट इज करेक्ट। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट आंसर एंड रिमेनिंग ऑल आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप, द सेंसेशन ऑफ फटीग, फटीग का मतलब होता है मस्कुलर टाइटनेस, जब मांसपेशियों में थकान आ जाती है उसे बोलते हैं मस्कुलर फटीग। फटीग इन द मसल, नाम ही लिख रहा है मसल के अंदर आई, प्रोलॉन्ग स्ट्रेनियस फिजिकल वर्क, आप बहुत ज्यादा हेवी वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, इट इज कॉज्ड बाय, ये कह रहा है कि आपने हेवी वर्क किया और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो उस कंडीशन में ऐसा हुआ क्यों है, हमारा मस्कुलर पेन क्यों जनरेट हुआ है, मस्कुलर फटीग क्यों हुआ है, इसका रीजन पूछ रहा है आपको, कॉज्ड बाय, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस वन। सो गाइस, ए डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, हाइपोक्सिया हो सकता है, लेकिन उस समय इतना नहीं होगा क्योंकि मस्कुलर वर्क एक नॉर्मल प्रोसेस है, ऑक्सीजन कम होगी तो दूसरी ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी, आकर दूसरे हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, मायोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, यानी बॉडी अपने आप को कंपनसेटरी मैकेनिज्म से कंट्रोल कर लेगी, मैनेज कर लेगी, ठीक है, ये कोई मेजर कॉज नहीं हो रहा है। आप 2 मिनट सांस यानी ब्रीथ को होल्ड भी कर लो तो भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसका मतलब ये थोड़ी मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे इसको। माइनर वियर एंड टीयर और मसल फाइबर में कोई वियर टीयर आ गया तो एक डैमेज वाला पार्ट आ गया जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। डिप्लीशन ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज डिप्लीट हो तो बात अच्छी है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और मसल यूज करेगी, तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, आपको खुद तो पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसके बाद में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो करेक्ट आंसर, और ये लैक्टिक एसिड कॉज करता है मस्कुलर फटीग कॉज करता है, और फटीग की वजह से, इसकी वजह से हो जाता है क्या, पेन, मस्कुलर पेन। तो करेक्ट आंसर इज 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मसल प्रोटीन के रेस्पेक्ट में पढ़ना है आपको, किसके रेस्पेक्ट में, मसल प्रोटीन के रेस्पेक्ट में। एक्टिन मसल प्रोटीन है, कोई डाउट नहीं है अपन को, इज अ थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ द 2F एक्टिन, बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही एक्टिन की स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनाई होगी, 2F एक्टिन से बना होता है, जहां पर यहाँ पर ये एक्टिन ट्रोपोनिन होता है, इधर ये ट्रोपोमायोसिन होता है, फिर यहाँ पर जी प्रोटीन्स होते हैं, पता ही आपको ये सारी चीजें, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो ये बिल्कुल सही बात है, 2F एक्टिन, एक ये हो गया और एक 2F एक्टिन मिलकर क्या बनाते हैं, एक्टिन की स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स फॉर्म में बनाते हैं, तो ये सही है सेंटेंस। द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, आप भी जानते हो ट्रोपोमायोसिन कभी भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, कौन सा होता है, ट्रोपोनिन। सो गाइस ये पढ़ते ही गलत हो गए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मायोसिन इज ए थिक फिलामेंट, बिल्कुल सही बात है, विच इज ए पॉलीमराइज प्रोटीन, बिल्कुल पॉलीमराइज होता है, जैसे एक्टिन होता है वैसे मायोसिन होता है, सो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगला कह रहा है द ग्लोबुलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन, ग्लोबुलर हेड, मीरोमायोसिन अपन ने बनाया था, ये आ गया, ये इसका ग्लोबुलर हेड है, ठीक है, इज कंसिस्ट ऑफ लाइट मीरोमायोसिन, नो इट इज रॉन्ग, इट इज कंसिस्ट ऑफ हेवी मीरोमायोसिन, किससे होता है ये, हेवी मीरोमायोसिन होता है, आपको पता है टेल के अंदर होता है लाइट, और हेड और क्रॉस आर्म और नेक जिसे अपन बोल रहे हैं उनके अंदर कौन सा मिलेगा आपको, हैवी मीरोमायोसिन मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है अपन को, तो करेक्ट फर्स्ट और थर्ड हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, विच वन ऑफ द इनकरेक्टली मैच, यानी कौन सा इनमें मैच नहीं कर रहा है,
पहला लिख रहा है मायोसिन, बिल्कुल मायोसिन प्रोटीन होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही है, तभी तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। टेंडन बहुत अच्छे से पता है, मसल का जो एंड पार्ट होता है जो बोन टू मसल को कनेक्ट करता है या मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, स्पेशली मसल टू बोन ही बोलते हैं अपन, कनेक्ट करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री नेचर की होती है, विसरल मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री है, सही बात है सारी, अभी तक इनकरेक्ट नहीं मिला। ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एक कौन सा प्रोटीन है, मस्कुलर प्रोटीन है, नॉट फाइब्रस प्रोटीन, दैट इज रॉन्ग। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आप इसको कंसीडर करा सकते हो एक्टिन के साथ में, ठीक है, तो ये गलत है, तो कर आंसर हो गया 9 का 4। ओके गाइस, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो आप, द रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, ये मैंने दो जेड लाइन बना दी, ये जेड वन है, ये जेड टू है, ये बीच में एक्टिन आ गया, एक्टिन आ गया और बीच में ये मायोसिन आ गया, ठीक है, और ये जेड वन आ गया और ये जेड टू आ गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। ये कह रहा है द रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इन मायोफिब्रिल, ये मायोफिब्रिल है, मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, मायोफिब्रिल होते हैं, सार्कोमियर पहला ही करेक्ट हो गया, सार्कोसोम ये तो कोई मतलब नहीं हुआ इसका, एनआइसोट्रॉपिक बैंड वो तो ए बैंड की बात करिए, वो तो ये वाला आ गया, आई बैंड कोई मतलब ही नहीं, हमें यहाँ पर सक्सेसिव टू जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या कहते हैं अपन, सार्कोमियर, सो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, अंडरलाइन करो, मिनरल्स रिड्यूस द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व एंड मसल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये रिड्यूस कर रहा है, ध्यान रखिएगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन को एक्साइट करने के लिए तो अपन को पता है सोडियम रिस्पॉन्सिबल है और कार्डियक मसल के लिए कैल्शियम मेजरली रिस्पॉन्सिबल है, बट यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा मिनरल है जो एक्साइटेबिलिटी को कम करता है, और उसके लिए एक्साइटेबिलिटी कम करने का मतलब है वापिस उसको अपनी कौन सी स्टेज में लाता है, पोलराइज स्टेज में रिटर्न करने के लिए स्टिमुलेट करता है या फिर इनहेंस करता है कि फटाफट ये वापिस नॉर्मल अपनी किस में आ जाए, नॉर्मल स्टेज में आ जाए, नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट को गेन कर ले, ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो है वो कौन है पोटेंशियल, जितना भी अपने पढ़ा है रीपोलराइजेशन हो चाहे हाइपर रीपोलराइजेशन हो चाहे पोलराइज स्टेज हो एक्सेप्ट डीपोलराइज, सबके अंदर पोटेशियम चैनल ओपन ही रहता है, इस वजह से पोटेशियम जो है वो हमेशा क्या करता है, आपको पता ही एक्साइटेबिलिटी को क्या करता है, कंडक्शन, चाहे वो नर्व का हो चाहे मसल के अंदर सार्कोलिमा के अंदर हो, सब में कम करेगा, तो पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फॉर द मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, दोनों बातें पूछ रहा है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी जरूरी है और मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए आपको पता है इसमें कोई सोडियम दे नहीं रखा, तो पहले तो एक दिमाग में से एक रूल आउट हो जाएगा, दूसरा नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए अपन को पता है किसकी नीड होती है, कैल्शियम के लिए, और इंपल्स ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पर है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, जिसको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए कौन से आयन का नीड होगा, यानी प्री से पोस्ट में किस तरह से कंडक्शन होता है, तो डेफिनेटली कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, प्री सिनेप्स से पोस्ट सिनेप्स के अंदर कौन ले जाता है इसको, कैल्शियम आता है, वो एसिटाइल कोलीन यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज कराता है, वो कैल्शियम के रेस्पेक्ट में रिलीज होता है, ठीक है, तो इसके अंदर मेन आंसर जो आ जाएगा, जो फर्स्ट आ जाएगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी जरूरी है और नर्व ट्रांसमिशन वन न्यूरोन टू अनदर न्यूरोन आई मीन टू से सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए भी जरूरी है, ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, ट्रोपोनिन इज ए, ये पूछ रहा है ट्रोपोनिन क्या है, और आप बहुत अच्छे से पता आपको ट्रोपोनिन जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स मस्कुलर प्रोटीन है, ठीक है, क्या है ये, डाइजेस्टिव एंजाइम बिल्कुल नहीं है, मस्कुलर प्रोटीन बिल्कुल है साहब, हाई एनर्जी रिजर्व ईयर कोई एनर्जी रिजर्व नहीं करता, कोई एटीपी थोड़ी है जो एनर्जी रिजर्व करेगा, वाटर सोल्यूबल विटामिन कोई लेना देना नहीं, करेक्ट आंसर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ रहा है सेकंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से करेक्ट सेलेक्ट करना बहुत ईजी होते हैं, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स, रिब्स की बात करें कनेक्टेड टू द स्टर्नम, कभी भी आपको पता है 11th और 12th वाली फ्लोटिंग रिब्स होती है वो थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच होती है डोर्सली, लेकिन वेंट्रली कभी भी स्टर्नम से अटैच नहीं होती, इसलिए करेक्ट होगा ये वाला, ईच रिब इज ए थिन, बिल्कुल सही बात है, एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड टू डोर्सली टू द थोरेसिक, ये कह रहा है पीछे वाली सारी भी जितनी रिब्स है वो सारी की सारी कनेक्ट होती है डोर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम से थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, तो सारी की सारी वेंट्रली नहीं कनेक्ट होती, ये आप
दिमाग में से निकाल देना कि सारी की सारी वेंट्रल में कभी स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, ओनली सेवंथ होती है, एट्थ नाइन्थ टेंथ सेवन से हो जाती है और इलेवन ट्वेल्व फ्री होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट ही आपके क्या हो जाएगा, वेंट्रल टू द स्टर्नम, तो ये बात गलत हो गई। चलिए आगे, देर आर सेवन पेयर्स ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिब्रो स्टर्नल का मतलब होता है ट्रू रिब्स, एंड थ्री आर वर्टिब्रो कोंडल, वर्टिब्रो कोंडल का मतलब होता है जो कौन सी होती है आपके, जो एट्थ नाइन्थ और टेंथ होती है, एंड टू पेयर्स ऑफ आर वर्टिब्रल, वर्टिब्रल का मतलब होगा फ्लोटिंग रिब्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। ओके गाइस, फोर्थ देखो आप, एट नाइन टेन पेयर्स ऑफ द रिब्स डायरेक्टली कनेक्ट, डायरेक्टली कभी कनेक्ट नहीं होती, किसके थ्रू होती है, हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू होती है, तो ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट, पता ही आपको ग्लिनोइड कैविटी, स्केपुला अपन बनाते हैं, जब भी अपन स्केपुला इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो स्केपुला की ये जो कैविटी है, दैट कैविटी इज नोन एज ग्लिनोइड, और इससे किससे आर्टिकुलेट करेगी, हेड ऑफ उम्रस से, हेड ऑफ उम्रस से आर्टिकुलेट करेगी, क्लेविकल एक्रोमिना स्केपुला, एक्रोमिना क्लेविकल स्केपुला ना, उमरस विथ स्केपुला दे हो गया, हेड ऑफ उमरस से करेक्ट होगी, तभी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आंसर हो गया 15 का 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो आप, क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, 16 क्या कर रहा है, एसिटाबुलम इज ए कॉनकेव सरफेस ऑफ, एसिटाबुलम आप अच्छे से जानते हो, एसिटाबुलम पेल्विक गिरडाल के अंदर होता है ना, पता ही आप, जैसे पेल्विक गिरडाल बनाते हैं अपन, इलियम इश्चियम प्यूबिस, जैसे मान लो ये इलियम आ गई, ये प्यूबिस आ गई, ये इश्चियम आ गई, इस तरह से होती है, यहाँ पर भी कैविटी बनती है, बिल्कुल जैसे ग्लिनोइड कैविटी बनती है वैसे की वैसे कैविटी कहाँ बनती है हमारे, किसमें होता है, पेल्विक गिरडाल में बनती है, जहां पर हमारे पैर वाली, जिसको अपन फीमर बोलते हैं, फीमर का हेड आकर फिट होता है सरफेस में, दैट कैविटी इज नोन एज एसिटाबुलम, ग्लिनोइड कैविटी का ही होमोलोगस है कौन, एसिटाबुलम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑफ पेल्विस पेक्टोरल, बिल्कुल नहीं होगा, फोरामेन मैग्नम कोई नहीं है, फोरामेन मोनरो नहीं है, करेक्ट आंसर इज पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द कॉमन टू द किडनी, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जो किडनी में भी है इस नाम की, एंड स्केलेटल, और स्केलेटल सिस्टम में भी है, ऐसी कौन से कॉमन वर्ड है जो आपको करना है, जो मेमल्स के अंदर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात मेमल की किडनी में होनी चाहिए, मेमल की किडनी में भी है और मेमल के स्केलेटल में, दोनों में कौन सी चीज है, कॉर्टेक्स नो डाउट किडनी में है लेकिन स्केलेटल में नहीं है, मेडुला किडनी में है लेकिन इसमें नहीं है, पेल्विस, पेल्विस की बात करें बिल्कुल ये परसेंट है, रेडियस इसमें इसमें नहीं है, तो ऐसे मेडुला में आप कंफ्यूज नहीं होएगा कि कॉर्टेक्स और मेडुला, जो बेसिकली बात अपन किडनी के अंदर करते हैं ना, कॉर्टेक्स और मेडुला, स्केलेटन के अंदर मेडुला नहीं होता, मेडुलरी कैनाल होती है जो बोन मेरो के अंदर होती है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप ये क्वेश्चन गलत कर सकते हो, ठीक है, मेडुलरी कैनाल होता तो देन वी कैन कनेक्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ मेडुला, इट इज ए पार्ट, ऐसा कोई पार्ट होता नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहे हैं, स्केपुला इज ए लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन, ये कह रहा है वापस वैसे ही क्वेश्चन है, ये जो अपन ने स्केपुला बनाया था अभी, ये स्केपुला, इस स्केपुला की हमारे जो थोरैक्स पार्ट में प्रेजेंट है, बैक में प्रेजेंट है अपने, है ना, बिहाइंड द रिब्स, इसकी लोकेशन कहां से लेकर कौन सी रिब्स के बीच में, तो बहुत सिंपल है, सेकंड से लेकर सेवंथ के बीच में, ये लो सेकंड टू सेवंथ रिब्स, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है आपके, सेकंड टू फिफ्थ नहीं होगा, थर्ड मतलब नहीं है, थर्ड की बात नहीं है, सेकंड टू सेवंथ रिब्स के बीच में मिलेगा आपको, ठीक है गाइस। चलिए आगे लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या क्वेश्चन, द कॉक्सल ऑफ द पेल्विक गिरडाल इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन, तो इसमें आपको पता ही, जो पेल्विक गिरडाल है उसमें बेसिकली टू बोन्स होती है, टू बोन्स का मतलब है एक राइट कॉक्सा और एक लेफ्ट कॉक्सा, ये राइट कॉक्सा है, इसको अपन राइट पेल्विस बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा लेफ्ट कॉक्सा या लेफ्ट पेल्विस, या इसको बोल सकते हैं राइट ओस इनोमिनेंट और लेफ्ट ओस इनोमिनेंट, ये भी अपन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो एक कॉक्सा है वो कितनी बोन के फ्यूजन से बना है, तो अपन को पता है ये किससे बना है, इलियम ऊपर वाली, इश्चियम नीचे वाली, और बीच वाली कौन सी आती है, प्यूबिस, तीन बोन के यूनियन से बना है, किससे, इलियम इश्चियम एंड प्यूबिस, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेक्टोरल गिरडाल, पेक्टोरल गिरडाल का कौन सा पार्ट है, देख लें तभी, इलियम तो किसका है, पेल्विक का है, इश्चियम भी पेल्विक का है, एसिटाबुलम भी पेल्विक का है, तो सीधा रह गया कौन सा, ग्लिनोइड कैविटी, सो सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स गिव्स द करेक्ट टोटल नंबर, आपको करेक्ट टोटल नंबर बताने हैं। जैसे नाम लिखा हुआ है, जैसे फ्लोटिंग रिप्स इन द हुमन, हुमन के अंदर फ्लोटिंग रिप्स कितनी होती है, आपको बताएं टू पेयर्स होती है, तो कितनी होगी, फोर नंबर, ये सही है। टार्सल बोन अपने अंदर कितनी होती है, सेवन, ये कह रहा है नाइन, गलत। टाइप्स ऑफ डायबिटीज टू होती है, डायबिटीज इंसिपिटर और डायबिटीज मिलाइटस, ये इंसुलिन डिपेंडेंट, ये इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट, ठीक है, ये भी गलत हो गया। सर्वाइकल वर्टिब्री ह्यूमन में कितनी होती है, सेवन, ये कितनी कह रहा है, एट, ये भी गलत हो, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एन एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस होते ही आपको पता है किसके अंदर है, ये अभी बनाया था मैंने, स्केपुला याद करो आप, इस तरह से रफली बना रहा हूं, स्केपुला, स्केपुला का ये जो लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट सरफेस, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, ये वाला एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द, किसमें मिलेगा आपको ये, स्केपुला में तो मिलेगा, और किसमें मिलेगा, पेल्विक गिर्डाल ऑफ मैमल्स ना, स्कल ऑफ फ्रॉग ना, पेक्टोरल गिर्डाल ऑफ मैमल यस, स्पर्म ऑफ, कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आप, फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन द बोन ऑफ पार्ट ऑफ स्कल सच एज, आपको कुछ नाम दिए गए हैं, उससे आपको कंसिडर करना है कि किस कौन से पार्ट में कितनी बोन्स है। पहला कह रहा है क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन कितनी होती है, 8, फेशियल बोन कितनी होती है, 14, हायोड बोन एक ही होती है करेक्ट, और ईच मिडल ईयर, पूरे मिडल ईयर नहीं, ईच यानी एक ईयर का आपके मिडल ईयर नंबर बताने आपको, ईच मिडल ईयर में कितनी हो जाएगी, 3, अगर ईच नहीं होता तो यहाँ पर 6 आ जाता, ध्यान रखना, तो करेक्ट आंसर हो गया 8413, 8416 नहीं होगा, 8413 हो गया। चलिए तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, 8413, ज्यादातर स्टूडेंट ये 6 करके आएंगे बिकॉज वो ये पढ़ना मिस करेंगे, किसको, ईच एक ईयर की पूछी गई इसमें। चलिए तो करेक्ट आंसर हो गया तीसरा वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, 24 कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपको सेलेक्ट करना है। ये कह रहा है इन मेन यानी ह्यूमन के अंदर वर्टिबल कॉलम है 33 बोन्स, बिल्कुल होती है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू 28 ना, ऑर्गेनाइज्ड इनटू द 26, तो ये गलत हो गया भाई, अपन को पता 33 आपस में फ्यूज हो जाती है, सर्वाइकल में कोई फ्यूज नहीं होती, थोरेक्स में कोई फ्यूज नहीं होती, लंबर में कोई फ्यूज नहीं होती है, सैक्रल 5 होती है फ्यूज होकर 1 हो जाती है, ऑक्सीजन 4 होती है फ्यूज होकर 1 हो जाती है, तो वो फ्यूज हो जाती है, तो ये 26 होती है टोटल, ये नंबर गलत है यहां पे, इनकरेक्ट। पेल्विक गिर्डाल इज मेड अप ऑफ टू बोन्स ओनली ना, ओनली टू बोन्स की बात नहीं कर रहा है, पेल्विक गिर्डाल टू फ्यूज्ड बोन, अगर यहां पर टू बोन्स लिखा हुआ है, अगर मैं यहां पे इसको ऐसे कर दूं फॉर्मड बाय टू फ्यूज्ड बोन्स, तो बात सही हो जाती है, टू फ्यूज्ड बोन का मतलब क्या हुआ, इलियम इश्चियम और फ्यूज्ड राइट वाली और राइट लेफ्ट वाली दोनों हो जाती, तो ये भी कोक्सा बोन हो जाती, ये भी कोक्सा बोन हो जाती, दोनों आपस में क्या हो जाती, फ्यूज, तो बिल्कुल पेल्विक बन जाता है राइट एंड लेफ्ट कोक्सा बोन से, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है मेड अप ऑफ ओनली टू बोन्स नॉट फ्यूज्ड बोन, सो इट इज डियर इट इज करेक्ट इनकरेक्ट, तो दोनों ही इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका, 4, पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, केवल 2 हड्डियां लिखा हुआ है, यहां पर फ्यूज हड्डियां होता ना तो ये सही हो जाता आपके। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन लीजिए 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ लिगामेंट्स आर कट एट द जॉइंट, यानी कि जॉइंट जो होता है, जैसे ये बोन बना रहा हूं मैं, मान लो फीमर है, ये टिबिया है, ठीक है ना, आपस में किससे कनेक्ट है, ये लिगामेंट से, अब ये लिगामेंट आपने क्या कर दिया, कट कर दिया, काट दिया इस लिगामेंट को पूरा, ये लीजिए इस तरह से पूरा कट कर दिया आपने, कट कर दिया तो अब क्या होगा, बोन्स विल नॉट मूव फ्रीली एट द जॉइंट, कि बोन्स बिल्कुल मूव नहीं करेगी, मूव तो करेगी, कट गया पूरा तो मूव ही करेगी यार। चलिए नो मूवमेंट एट द जॉइंट, मूवमेंट से लिगामेंट का कोई लिंक नहीं है, मूवमेंट से लिंक होता है किसका, मसल और टेंडन का, मसल थोड़ी काटी अपने, टेंडन थोड़ी काटा है तो मूवमेंट तो होगा। चलिए साहब ये भी बात गलत है, ये तो कह रहा है नो बोन विल बी अनफिक्स्ड एट द जॉइंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिगामेंट का फंक्शन क्या होता है, बोन टू बोन कनेक्ट करना, और यहां पर जो है ये अगर मैं कट कर दूंगा तो बोन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, यहाँ से अनफिक्स हो जाएगी, प्रॉपर शेप एंड साइज और प्रॉपर अलाइनमेंट में रहनी रहेगी, कहाँ पर, जॉइंट में, यानी जॉइंट सरफेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर उधर स्लाइड हो जाएगा, तो ये बात सही है, बोन विल बी बिकम फिक्स तो होने का सवाल ही नहीं, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ए क्रिकेट प्लेयर, गुड क्रिकेट प्लेयर इज फास्ट चेसिंग ए बॉल इन द फील्ड, एक बंदा है क्रिकेटर है, भाग रहा है, बॉल को चेस कर रहा है, ओके
फील्डिंग करते हुए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द बोन्स आर डायरेक्टली कम्युनिकेट, और ये कह रहा है इन दिस मोमेंट जब वो भाग रहा होता है बॉल के पीछे पीछे फील्डिंग करता हुआ, तो उसकी बॉडी के कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व होगी, है ना। तो ये कह रहा है फीमर बिल्कुल होगी, पैरों से ही भागेगा। कान मेलियस तो कान में होती, कान थोड़ी भागेगी, कान तो बॉडी के साथ ही चिपके हुए। टीबिया भागेगी, बिल्कुल सही बात है। मेटाटार्सल भागेगी लेकिन मेलियस नहीं भागेगी, ये उड़ गया ऑप्शन आपके। पेल्विस बिल्कुल होगा। अल्लाह हाथ का क्या रोल है, हाथ तो सीधा ही है, मतलब भाग पैर रहेगा, हाथ हाथ से थोड़ी भाग रहा है कोई, ठीक है उड़ा दो। पटेला हो सकती है, टार्सल हो सकती है, ये उड़ गया। स्टर्नम कहां से भागेगी, वो तो फिक्स है रिप के साथ ना, फीमर है, टिबिया फिबुला, ये भागेगी स्लो। टार्सल बिल्कुल, फीमर बिल्कुल, मेटाटार्सल बिल्कुल, टिबिया बिल्कुल, यानी ये चारों बोन अच्छे से पैर वाली है सारी की सारी, लोअर लिम्स की बोन है, मूव करेगी, सो नो प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर इज 4। नाइस क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड करेक्ट ऑप्शन, आपको इनमें से मैच कराने और करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, सेलेक्ट करना। तो सीधी सी बात है, आप आराम से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन तो सो इजी होते हैं, ठीक है। चलिए जी शुरू हो जाइए। कॉलम फर्स्ट, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट किसके अंदर होता है, नी के अंदर। चलिए साहब नी के अंदर हो गया, ओके। सैडल जॉइंट आपको पता ही, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जो थंब वाला है वो होता ही है, कार्पो मेटाकार्पल, ठीक है साहब, 3 हो गया। पीवोट जॉइंट अपने गर्दन के अंदर है ही, नोडिंग मूवमेंट, नो वाला, ओके। तो ये हो जाएगा एटलस और एक्सिस के बीच, तो ये हो गया फर्स्ट, क्लियर। अब आ जाओ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसमें मिलेगा, हुमरस एंड पेक्टोरल, तो कहने की बात ही नहीं है। 4, 3, 1, 5 करेक्ट आंसर इज 3rd। आप मैच करा लेना, इजीली आप मैच कराओगे तो आंसर निकल जाएगा 3rd। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद ऑफ स्कैपुला। ये तो अपन को पता ही है ना, क्वेश्चन पे ऐसा ही एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया था पहले, याद करो। एक मिनट रुकना गाइस, ये रहा, अरे एक मिनट रुकना, आगे चलो रे। 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्लेविकल आर्टिकुलेट, तो अपन को पता है क्लेविकल किससे आर्टिकुलेट करेगी, क्लेविकल वो अपन ने बनाया था, याद करो, ऐसा इस तरह से अपन ने बनाया था, स्कैपुला बनाया था, या ये लो, ये कह रहा ये आ गई क्लेविकल, क्लेविकल ये कोलर बोन, ये अपने यहाँ से आती है कोलर बोन। कोलर बोन किससे आकर अटैच होती है, कोलर बोन अटैच होती है आकर किससे, एक्रोमियन प्रोसेस। तो क्लेविकल आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ग्लेनोइड कैविटी तो हेड ऑफ हुमरस जुड़ेगा, एसिटाबुलम तो होता ही नहीं है, वो तो पेल्विक का पार्ट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा लेकिन वो तो यहाँ बनेगा। ये कह रहा है इस एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर कौन सी बोन है, तो डेफिनेटली अपनी कोलर बोन कह सकते हो, क्लेविकल कह सकते हो, ब्यूटी बोन कह सकते हो, बहुत सारे इसके नाम है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए आप, नेम ऑफ द रेस्पॉन्सिबल आयन, कौन सा आयन है रेस्पॉन्सिबल, अनमास्किंग, रिमेंबर गाइस मास्किंग नहीं करनी, अनमास्किंग करनी, आपको एक्टिव साइड को ओपन करना है, एक्टिव साइड फॉर द मायोसिन। आपको पता ही है जो एक्टिन होता है उससे अटैच आकर कौन होता है, मायोसिन, दोनों के बीच में क्रॉस ब्रिज बनते हैं और मसल कॉन्ट्रेक्शन इनिशिएट होता है, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज बनेंगे, एक्टिविटी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रेक्शन। ये कह रहा है कौन सा आयन है जो उसको अनमास्क कर देता है, सो दैट मायोसिन हेड कैन बी अटैच टू द एक्टिन, ओके, एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑकर्स। तो कौन सा आयन है वो आपको बहुत अच्छे से बताया, कैल्शियम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए अपन ने कहा था मसल कॉन्ट्रेक्शन में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चलिए आंसर हो गया फर्स्ट, मैग्नीशियम से कोई लेना देना नहीं, ये तो उसमें एटीपी के अंदर काम आता है ना, जब एटीपी एंजाइम एक्टिवेट करता है उसका कोफैक्टर की तरह काम करता है, सोडियम का कोई रोल नहीं, पोटेशियम वैसे ही नेगेटिव फीडबैक देता है अपन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चूज द इनकरेक्ट मैच ऑफ पेयर। देख लो आप, पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन ऑफ मायोफाइबर, सार्कोमियर कहते हैं अपन, जेड वन और जेड टू के बीच के क्या बोलते हैं अपन, सार्कोमियर। आइसोट्रोपिक बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड कौन सा होता है, ए एक्टिन, एक्टिन आइसोट्रोपिक शो करता है, एन आइसोट्रोपिक कौन होता है, मायोसिन, बिल्कुल साथ है, सेंट्रल पार्ट ऑफ आई बैंड, ये लो अभी कर लेते हैं बात, कौन सा ये मायोसिन, ये आ गया कौन सा अपना आई बैंड, आई बैंड के अंदर एम लाइन नहीं है, कौन सी लाइन आएगी, जेड लाइन, सो इट इज इनकरेक्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ आई बैंड। अरे एक्टिन जो है वो बेसिकली अटैच किससे होता है, जेड लाइन से होता है, वो आधा एक्टिन जेड लाइन के राइट साइड में और आधा लेफ्ट साइड में होता है, अपन को पता ही है, तो जेड लाइन, एम लाइन नहीं आएगा, कौन सी आएगी, जेड, सो इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 31 की बात करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, आपके जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो गया बीच में, ये जॉइंट है
इसके बीच में आकर कौन डिपोजिट हो गया है, यूरिक एसिड, और ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं गाउट। माइस्थेनिया ग्रेविस तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कोई मतलब नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस अपन को पता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होता है, चेंज इन द माइक्रो आर्किटेक्चर ऑफ द बोन होता है, बोन के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसीज होता है। ऑस्टियोमलेसिया बोन की कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम सॉल्ट की डेफिशिएंसी, मैट्रिक्स की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, वो अपने बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज ऑस्टियोमलेसिया। तो इनका कोई लेना देना नहीं, करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, हाइपोथैलेमस करता है, बाकी इनका किसी का कोई लेना देना नहीं। हाइपोथैलेमस मेन साइट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, इवन हाइपोथैलेमस कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियस लाइक हंगर, लाइक थ्रस्ट, लाइक सेटाइटी, ऑल द मेजर सेंटर्स न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन अवर हाइपोथैलेमस, ओके गाइस, एंड ऑल्सो सम ग्लैंड्स लाइक पिट्यूटरी। करेक्ट आंसर इज 1। ये कह रहा है रिसेप्टर साइट फॉर द, जस्ट ए मिनट, कह रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, रिसेप्टर साइट फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट। ये कह रहा है कि जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है, आपको पता है दो न्यूरॉन होते हैं, एक होता है प्री न्यूरॉन और एक होता है पोस्ट न्यूरॉन, बिल्कुल सही बात है। अब ये कह रहा है रिसेप्टर कहां प्रेजेंट, रिसेप्टर हमेशा किस पर होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ये आपको पता ही है, पोस्ट सिनेप्टिक का मतलब है न्यूरॉन जो रिसेप्टर है वो हमेशा, ये तो प्री आ गया, ये कौन सा आ गया, पोस्ट आ गया, तो प्रेजेंट कहां मिलेंगे आपको, पोस्ट पर मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे आपको इसलिए। तो देख लीजिए आप, मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल ना, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ना, टिप्स ऑफ एक्सोन ना, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, हमेशा रिसेप्टर आपको पोस्ट सिनेप्टिक। ऐसा क्वेश्चन अपने फर्स्ट भी आया था, जिसके अंदर अपने सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर अपने लेबलिंग की थी, याद करो रिसेप्टर के साइट के ऊपर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर था, ठीक है, करेक्ट आंसर इज 4। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, माइलिन शीथ आप जानते हो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो एक्सोन के सराउंडिंग होता है न्यूरॉन में, ठीक है ना, कौन बनाता है, स्वान सेल हमेशा, आपको पता ही है स्वान सेल है वो हमेशा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या बनाती है, माइलिन शीथ। दूसरी है ओलिगोडेंड्रोसाइट जो बनाती है किसके अंदर, सीएनएस के अंदर माइलिन शीथ। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, यही आंसर आ गया कि पीएनएस के अंदर तो कौन बनाती है, स्वान सेल, और सीएनएस में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाएगी वो कौन सी, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो करेक्ट आंसर इज 1। चलिए अगला रहा एस्ट्रोसाइट, कोई मतलब नहीं है, ओलिगोडेंड्रोसाइट यस, ऑस्टियोक्लास्ट ये गलत हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट ये गलत हो गया, बिल्कुल अब्रप्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आप, ये कह रहा है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच सेंटर ऑफ हंगर, अभी मैंने बोला था हंगर और थ्रस्ट का सेंटर किसके अंदर होता है, आप लोगों को पता है हाइपोथैलेमस में होता है, सारे के सारे जो मेजर सेंटर होते हैं वो किसे मिले, हाइपोथैलेमस। मेडल ऑफ लोंगेटर इनवॉलंटरी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, करेक्ट, सेरिब्रम इंटेलिजेंट पार्ट है अपना, लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम, ये बैलेंसिंग करता है, ये बैलेंसिंग करता है, सेरिब्रम जो है That is the largest and most intelligent part. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका, सेकेंड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 दे गया, 36 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि आपकी जो मेंटल की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस जो रिएक्शंस होती है, इंटेलिजेंट थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो रेगुलेट कौन करता है, आपको बताइए। अगर मैं इसका कट करूँ यहाँ पर ब्रेन का, तो इस तरह से आप नोट करोगे तो ब्रेन के अंदर वो सारे पार्ट है, बताइए आपको, ये फ्रंटल लोब है ना, इधर वाला ये कौन सा आ गया आपके, पैराइटल लोब आ गया, ये टेम्पोरल आ गया, और ये ऑक्सिपिटल आ गया। इसमें जो फ्रंटल लोब है, ये वाला फ्रंटल लोब, ये सेरिब्रम का ही ट्रांसवर्स सेक्शन है, सेजाइटल सेक्शन है, और ये फ्रंटल लोब ही सारे हायर फंक्शन इंटेलिजेंस वगैरह सबको, मेमोरी वगैरह सबको, प्री सेंट्रल वगैरह सब, खूब सारे एरियाज होते हैं, ब्रोकास एरियाज वगैरह, वो सब कंट्रोल करते हैं। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के जो भी थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उनको रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्स कौन है, फ्रंटल लोब है, पैराइटल ऑक्सिपिटल टेम्पोरल का इस हायर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं, उनका अलग फंक्शन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा कौन सा, फ्रंटल लोब, सबसे लार्जेस्ट लोब भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड बाय, आपको पता ही ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल होते हैं कितने, फोर, जैसे सपोज करो थर्ड वेंट्रिकल है और ये वाला फोर्थ वेंट्रिकल है, ये आपस में किससे कनेक्ट है, तो आपस में एक डक्ट से कनेक्ट होते हैं जिसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट, बहुत सारे नाम है इसके, एक तो नाम है डक्ट ऑफ आइटर, दूसरा नाम है सेरिब्रल
एक्वीडक्ट, और एक और नाम है जिसका नाम है डक्ट ऑफ सिल्वियस। नेक्स्ट है डक्ट ऑफ सिल्वियस, ये कौन सी हो जाएगी, डक्ट ऑफ सिल्वियस। फोरामेन ऑफ मोंद्रो बिल्कुल दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है, फोरामेन ऑफ मैग्नम नहीं है, कॉर्पस कैलोसम नहीं है, बहुत सिंपल सा एक क्वी नाम से ही आपको पता चल जाता है कि यहां पर सीएसएफ का ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। आपको पता है दो तरह का स्केलेटन, एक एक्सियल होता है, अपेंडिकुलर। और एक्सियल जो होता है, एक्सियल में इसमें टोटल 80 बोन्स होती है, और अपेंडिकुलर के अंदर आपको सबको पता है कि बेसिकली जो बोन होती है वो 126 होती है। दोनों को मिलाकर अपन लिखते हैं, ह्यूमन के अंदर कितनी बोन्स होती है, 206, अपन दोनों को इंक्लूड करके बोल देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा नहीं है, लिंब बोन्स, ये तो इसके अंदर आती है अपेंडिकुलर में, पेक्टोरल ये भी आती है, स्टर्नम ये एक्सियल में आती है ध्यान रखना, और पेल्विक डार ये किस में आता है अपने, ये आ जाएगा अपेंडिकुलर में। यानी ये कौन सा बोल रहा है, नॉट इंक्लूडेड, यानी कौन सी अपेंडिकुलर में इंक्लूड नहीं होगी, तो अपेंडिकुलर में तो एक नहीं होगी, कौन सी, स्टर्नम, ये किस में इंक्लूड होती है, एक्सियल में। तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दीजिए, द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, ट्रैक्ट का मतलब होता है एक्सोन का बंडल, बंडल ऑफ एक्सोन इन द सीनेस नोन एज ट्रैक्ट और स्पाइनल कॉर्ड, विच कनेक्ट द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है वो कौन है, कॉर्पस कैलोसम है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपको पता ही, जैसे ये बना हूं मैं ऐसे, ये राइट हो गया सपोज करो, ये हो गया कौन सा इधर वाला, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, बीच में जो कनेक्टिंग पार्ट है दैट इज नोन एज बंडल ऑफ एक्सोन कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम, दिस इज द लार्जेस्ट कमिश्नर ऑफ द ब्रेन, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी और सबसे लेंथी जो कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, वो कौन सी है, कॉर्पस कैलोसम में। कॉर्पोरा कॉर्टेक्स तो मिड ब्रेन में होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट अभी अपनी बात हुई थी, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को ऐड करती है, फोरामेन ऑफ मैग्नम ये तो बिल्कुल स्कल के नीचे होता है ना, सबसे लार्जेस्ट फोरामेन, तो इसका इनसे कोई लिंक नहीं है, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है वोमिटिंग सेंटर, बहुत सिंपल सी बात है, वोमिटिंग सेंटर इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, वोमिटिंग हो, स्नीजिंग हो, कॉफिंग हो, है ना, ये सारे सेंटर कहाँ होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, स्टोमक एंड यूडिनम ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ना, हाइपोथैलेमस में नहीं होता है, कि हाइपोथैलेमस में हंगर और थ्रस्ट के सेंटर होते हैं ना, सेटाइटिस सेंटर्स वगैरह, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आप, विच इज द ब्रिज बिटवीन नर्वस सिस्टम, यानी एक तरफ तो आ गया नर्वस सिस्टम और एक तरफ आ गया कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम, ये लीजिए नर्वस सिस्टम एंड इन दोनों के बीच में ब्रिज कौन है, ब्रिज एक ही है, कौन है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं जो बेसिकली हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, और न्यूरल सेंटर्स भी होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, एंडोक्राइन भी है और डेफिनेटली अपने नर्वस वाला भी पार्ट प्ले कर रहा है, तो डेफिनेटली ये हो गया हाइपोथैलेमस, दोनों के अंदर इंटर रिलेटेड होता है, करेक्ट, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड भी अंदर ही है, किसके अंदर, हाइपोथैलेमस में, तो वो भी एंडोक्राइन का फंक्शन प्ले करेगी, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सेकेंड। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स फॉर्म द, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो क्या बनाते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर बेसिकली जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, व्हाइट मैटर बनाते हैं, क्योंकि जो माइलिन शीथ होती है फॉस्फोलिपिड से कंपोज होती है, स्फिंगोमाइलिन से कंपोज होती है ना, खूब सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उस वजह से उसका कलर कैसा आएगा, व्हाइट आएगा, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, व्हाइट मैटर बनाएगा, करेक्ट। वाइल द नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होगी, वो बेसिकली क्या शो करेगा, ग्रे अपीयरेंस शो करेगा, तो कौन सा हो जाएगा, ग्रे मैटर, और ये हो जाएगा व्हाइट, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, कौन सा, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सेरिबेलम एंड मेडुला टुगेदर, आपको पता है सेरिबेलम जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा वो भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है, दोनों मिलकर बेसिकली आपको बताइए किसके अंदर आ जाएंगे, ये सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों ही किसके पार्ट है, हाइंड ब्रेन के पार्ट है, मिड ब्रेन तो बनेगा नहीं, क्योंकि मिड ब्रेन जो है उसके अंदर मिड ब्रेन अगर इंक्लूड होता है ब्रेन स्टेम तब बनता, कि मिड ब्रेन ये तो बनता ही नहीं, क्योंकि ये तो ब्रेन स्टेम का कॉन्स्टिट्यूट हो जाता, फोर ब्रेन इसका लेना देना नहीं है, टीलन से फिलोन कोई मतलब नहीं है, तो बहुत सिंपल से बात है, दोनों पार्ट किसके हो गए आपके, हाइंड ब्रेन के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आप, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज लार्जेस्ट,
ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन आपको पता है टू थर्ड पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है, तो सेरिबेलम नहीं होगा, थैलेमस नहीं होगा, सेरिब्रम करेक्ट, मेडल ऑब्लोंग वेटा इनकरेक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ये तो हो गया आपने सेरिब्रम, अगला क्वेश्चन लेते हैं 45। एल्जाइमर डिजीज आपको बहुत अच्छे से पता है, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया इसका मेन करेक्टर है। एल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से एल्जाइमर डिजीज बेसिकली ऑकर्स होती है? डोपामिन की वजह से तो डेफिशिएंसी होने वाली है, वो पार्किंसन डिजीज की है, ठीक है ना। ग्लूटामिक एसिड अलग होता है, गाबा अलग होता है, मेन है एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कौन सी? एल्जाइमर, और उसका मेन करेक्टर है डिमेंशिया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। न्यूमोटैक्सिस सेंटर इज प्रेजेंट इन, आपको पता है ब्रीदिंग के अंदर आपने पढ़ा भी है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के अंदर कि न्यूमोटैक्सिस जो होता है वो पोन्स के अंदर होता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है और इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को कम करता है, ठीक है। तो ये हो गया पोन्स वेरोलाई, करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। द मेनिंजियस कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज, यानी कि मेनिंजियस आप जानते हो तीन तरह की होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करती है। तो देख लो, पायामेटर, ड्यूरामेटर, पेरिन्यूरल मैटर, एरेक्नोइड सारी है, लेकिन ये कॉन्टेक्ट में कौन सी रहती है? कॉन्टेक्ट में जो बिल्कुल इनर मोस्ट वाली रहती है, और इनर मोस्ट वाली कौन सी होती है? पायामेटर, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड में हो चाहे ब्रेन के अंदर, दोनों में कॉन्टेक्ट में रहेगी। तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द सीक्वेंस ऑफ द मेनिंजियस फ्रॉम ब्रेन आउटसाइड टू इनसाइड, तो अभी बात हुई थी अपनी आउटसाइड टू इनसाइड, तो आउटसाइड कौन सी होती है? ड्यूरामेटर, मिडल में कौन सी होती है? एरेक्नोइड और पायामेटर, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सेला टर्सिका आप बहुत अच्छे से जानते हो लोकोमोशन के अंदर और एंडोक्राइन में भी आएगा ये। सेला टर्सिका कैविटी इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द स्पिनोइड बोन, जो क्रेनियल बोन का पार्ट है, और उसके अंदर जो कैविटी होती है उसी कैविटी में सिचुएटेड रहती है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सेला टर्सिका द कवरिंग ऑफ किडनी, नो, टेस्टिस, नो, ब्रेन, ब्रेन का डिप्रेशन नहीं है, इस डिप्रेशन ऑफ स्कल इन विच द लोसेस द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके अंदर कौन फिट रहती है? पिट्यूटरी। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये वाला हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 एक डायग्राम दे रखा है आपको ह्यूमन अपर लिम का, हैंड का आई मीन, और उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना कौन सा सही है। ए जो है आपको सबको पता है कौन है, क्लेविकल है। बी जो है वो है स्कैपुला है। सी जो है वो थंब की तरफ है ना, थंब की तरफ हमेशा कौन होती है? रेडियस। और डी जो है जो लिटिल फिंगर की तरफ है वो हो जाएगी अल्ना, करेक्ट। और कार्पल और फेलेंजियस बीच में आ जाएगी कौन? मेटाकार्पल। इसके अकॉर्डिंग आप अगर आंसर फाइंड आउट करोगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा, ए क्लेविकल, स्कैपुला, रेडियस, अल्ना और मेटाकार्पल। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा? आपके थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल फाइबर बाय एन मोटर न्यूरॉन, आपको पता ही जब न्यूरॉन मैसेज लेकर आता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, तो न्यूरॉन के साथ और मसल के सार्कोलिमा के साथ एक जंक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। तो डेफिनेटली मोटर एंड प्लेट जो है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है, मायोन्यूरल जंक्शन जो है जहां पर दोनों का जॉइंट होता है, और वहां से इंपल्स ट्रांसमिट होती है जो एक्सोन से आ रही है, और एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है किसके ऊपर? सार्कोलिमा में। फिर वो ट्रेवल करते हुए कैल्शियम को रिलीज कराता है और मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसफर्टेबल उसके बाद में जाता है, लेकिन दोनों के बीच में जो स्टिमुलेशन का प्रोसेस होता है, जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, वो कहाँ पर होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। फिर आता है मायोफिब्रिल, कोई लेना देना नहीं, सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम का स्टोर हाउस, करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डीपोलराइजेशन, जब नर्व कंडक्शन होता है तो अपन को पता है पोलराइज, डीपोलराइज और रीपोलराइज स्टेजेस आती है, टेक प्लेस थ्रू द इनफ्लक्स, कौन से आयन की वजह से अंदर का माहौल प्लस हो जाता है और माइनस का बाहर का माइनस हो जाता है? बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चेन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? सोडियम की वजह से, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए आप,
चूज द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. आपको पता ही ऑटोनॉमिक के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक. इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन पूछे जो आपको याद होने चाहिए. कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को कभी भी सिंपैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा. आपने रेस्पिरेटरी में पढ़ा होगा, हमेशा डायलेट करता है. प्यूपिल ऑफ आई, प्यूपिल को भी क्या करता है, ऑलवेज डायलेट करता है. कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट, इंक्रीज हार्ट रेट, बिल्कुल हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्रोंकाई को रिलैक्स करता है. ये करेक्ट आंसर होगा. ये दोनों फंक्शन सही है आपके, सिंपैथेटिक. डिक्रीज हार्ट रेट, बिल्कुल नहीं. डायलेट ब्लड वेसल, ना, ब्लड वेसल को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. सो करेक्ट आंसर इज सेकंड. क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आप. ड्यूरिंग द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, जब एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में सिनेप्स के थ्रू मैसेज कंडक्ट होता है, ट्रांसमिट होता है, फर्दर प्रोसीड होता है, नर्व इंपल्स, न्यूरोट्रांसमीटर पी, तो उस समय एक न्यूरोट्रांसमीटर पी रिलीज होता है. या पी का मतलब आ गया एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है. रिलीज फ्रॉम द सिनेप्टिक वेसिकल बाय द एक्शन ऑफ क्यू, किस आयन की वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज होकर आया है. तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए एसिटाइल कोलिन को कोस रिलीज करने का कोस कौन होता है, कैल्शियम होता है. तो पी इज इक्वल टू क्या है, पी और क्यू, पी एंड क्यू क्या है, पी इज एसिटाइल कोलिन, क्यू इज कैल्शियम. तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्लियर. न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइट फर्सा. रिमेंबर गाइस, न्यूरॉन अभी अपने पढ़ा था, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में जो ब्रिज होता है वो हाइपोथैलेमस होता है. इसलिए नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन नर्वस को, दोनों आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं. ये कह रहा है नॉट, नॉट नहीं, यस. एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट द एंडोक्राइन एक्टिविटी. बिल्कुल सही बात है. नाइदर हार्मोन रेगुलेट द एक्टिविटी, बिल्कुल गलत. एंडोक्राइन रेगुलेट द एक्टिविटी बट नॉट वाइट वर्सा, बिल्कुल गलत. करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड. दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सीधी सी बात है. ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट आइए. क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेन प्रॉपर्टीज, रिमेंबर गाइस, मेन प्रॉपर्टीज कौन सी है, किसकी, न्यूरॉन की. और न्यूरॉन की मेन प्रॉपर्टी होती है जब अपन न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं तो इसके अंदर एक्साइटेबिलिटी होनी चाहिए और दूसरा मैसेज आगे ट्रांसमिट होना चाहिए, यानी एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी. और मस्कुलर टिश्यू को अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए और एक्साइटेबिलिटी होनी चाहिए. लेकिन हम न्यूरॉन के रेस्पेक्ट में बोलते हैं क्या होनी चाहिए, एक्साइटेबिलिटी होनी चाहिए और कंडक्टिविटी. तो करेक्ट आंसर इज 4. बाकी कंडक्टिविटी है, अच्छी बात है, लेकिन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ये गलत है सारे. तो करेक्ट आंसर 4 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. सोडियम पोटेशियम पंप सबको पता है, बहुत कॉमन है. फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द मेनी सेल्स, बिल्कुल ऐसा नहीं कि न्यूरॉन के अंदर होता, बहुत सी सेल्स मेम्ब्रेन के अंदर होता है. लाइक नर्व सेल इट वर्क्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंटीग्रल प्रोटीन ATPs. बिल्कुल ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में वर्क करेगा, यानी कि अपोजिट फंक्शन करेगा, तभी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी. और इसमें जो एंजाइम, जब एटीपी डिसोसिएट होगा एनर्जी यूज करेगा, उसके लिए एंजाइम, अपने क्वेश्चन पढ़ा था थर्ड या फोर्थ नंबर, जिसके अंदर अपने बताया था कि जो ATPs एंजाइम है वो मायोसिन के हेड के अंदर होता है. फॉर ईच मॉलिक्यूल ATP इज यूज्ड. अब ये किस तरह से वर्क करता है, कितने के क्या करता है और ATP का कैसे यूज करता है, ये क्या करता है आपको पता है. सोडियम पोटेशियम, तीन सोडियम को ये इनसाइड ऑफ एक्सोलिमा से आउटसाइड लाता है और दो पोटेशियम को आउटसाइड से कहां ले जाता है, इनसाइड. ये इसका ट्रांसमिशन होता है, ये है एटीपेस पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप. तो 3 आयंस आर पंप्ड आउट एंड 2 आर टेकन इन. बिल्कुल सही बात है, दो को बाहर अंदर लेगा और तीन को बाहर लाएगा, सही. 3 आयंस टेकन इन, ना. 2 आयंस, नो. 3 आयंस एब्सॉर्ब, नो. एब्सॉर्प्शन, कोई डाइजेशन थोड़ी जो एब्सॉर्प्शन हो गया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 60, पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्टिविटी आप जानते हैं, दो तरह के रिफ्लेक्स होते हैं, क्रेनियल होते हैं और एक दूसरे होते हैं अपने ब्रेन वाले और स्पाइनल कॉर्ड वाले रिफ्लेक्स. तो स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स होते हैं वो नी जर्क हुआ, या अपने कह सकते हैं एंकल जर्क हुआ, बाइसेप्स जर्क हुआ, ट्राइसेप्स जर्क हुआ, जितने भी जर्क वाले हैं ये सारे के सारे जो कंट्रोल होते हैं वो किससे होते हैं, अपने लोअर सेंटर होता है जिसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. जो हायर होते हैं, वोमिटिंग हुआ, स्नीजिंग हुआ, कफिंग हुआ, ये सारे कंट्रोल होते हैं किससे, ये कंट्रोल होते हैं अपने हायर सेंटर, यानी कि मिडिल ऑब्लोंगोटा के थ्रू कंट्रोल होते हैं. तो यहाँ पर जो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है वो स्पाइनल कॉर्ड लेवल का है, यानी कि रिसेप्टर ब्रेन को नहीं देगा, रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड को देगा और मसल को दे देगा, इमीडिएट ये फंक्शन कर देगा. ब्रेन को ये डायरेक्ट दे नहीं सकता कि वाया स्पाइनल कॉर्ड होके जाना पड़ेगा. तो नॉर्मल जो रिएक्शंस होती है, नॉर्मल जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो स्पाइनल
कोड कंट्रोल कर लेती हो. करेक्ट आंसर इसका होगा सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61. ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन, जब आप बहुत परेशान हो, बहुत टेंशन में हो, या बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया हो, ज्यादा ब्रेन टायर्ड हो, तो कौन सा नर्वस सिस्टम का सिस्टम इन्वॉल्व होता है ना? तो डेफिनेटली अपन को पता है ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन जो इमरजेंसी कंडीशन है, 3F रिएक्शन से वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होती है. पैरासिंपैथेटिक तो लूज करता है, विसरल तो अपने इंटेस्टाइन में होता है, ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का ही पार्ट है, लेकिन पैरासिंपैथेटिक इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली सिंपैथेटिक इन्वॉल्व होता है. तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट. अगला क्वेश्चन 62. स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय, स्केलेटल मसल जो होती है वॉलंटरी मसल होती है, और वॉलंटरी मसल का जो फंक्शन है वो कंट्रोल किया जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम से. तो ये कह रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं है, इनवॉलंटरी का, पैरासिंपैथेटिक इनवॉलंटरी, सोमेटिक करेक्ट, ऑटोनॉमिक इन दोनों का ही पार्ट है, ये दोनों इनवॉलंटरी करते हैं. यहां पर स्केलेटल मसल को ओनली कौन सा करता है? सोमेटिक. तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. एक मिनट गाइस, देखिए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम नहीं करेगा, इंपल्स कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. कोर्टिसोन क्या है? हार्मोन है. यही हो गया पहला ही आंसर, कोर्टिसोन. एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है. एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जिसको अपन बोलते हैं एड्रेनलिन, इसे बोलते हैं अपन क्या, नॉरएड्रेनलिन. ये दोनों ही किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? आपको पता है कंडक्शन न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है, लेकिन ये जो कोर्टिसोल है ये ओनली हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देख गया. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड, यानी कि एक्सोन के आउटसाइड और इनसाइड नर्व एक्सोन बिफोर एक्साइटेशन, जो बिफोर एक्साइटेशन यानी कि नर्व रेस्टिंग स्टेज में है, और नर्व रेस्टिंग स्टेज में है तो यहां पर होता है -65 से, हो सकता है -70 mV, मान लो 65 to 70 mV होता है जब किसी तरह का कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है. इसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं? Resting membrane potential when nerve is not conducting any kind of impulse, it is completely polarized stage. तो जाएगा resting membrane potential. Action potential नहीं होगा, spike potential नहीं होगा, reaction पे मतलब ही नहीं. Correct answer first. Next question. Question number 65 देखिए. यूनिपोलर न्यूरोन आर फाउंड इन, यूनिपोलर बाइपोलर मल्टीपोलर अपन ने पढ़ाई है. यूनिपोलर ओनली किसमें मिलते हैं? आप लोग एम्ब्रायनिक स्टेज में, इनिशियल फॉर्मेशन स्टेज होती है. ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में बाइपोलर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में आपको पता है बाइपोलर भी है, मल्टीपोलर भी है, रेटिना में कौन सा है? बाइपोलर है. तो यूनिपोलर तो आपको क्या मिलेंगे? ओनली एम्ब्रायनिक स्टेज में मिलेंगे बच्चों. करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट, नॉट ए कंपोनेंट ऑफ थोरेसिक केज, कौन सा थोरेसिक केज का पार्ट नहीं है, थोरेक्स का पार्ट नहीं है. ठीक है, अब अपन देखते हैं कौन सा थोरेसिक केज का पार्ट नहीं है. तो पहली बात, स्टर्नम बिल्कुल है, थोरेक्स बनाते हैं. कोस्टल बोन्स जिसको अपन रिप्स बोलते हैं, लार्जेस्ट वर्टिब्री नहीं है, बिकॉज लार्जेस्ट वर्टिब्री तो कौन सी होती है? लंबर. और लंबर इसका पार्ट बिल्कुल नहीं है, तो थोरेसिक वर्टिब्री है बिल्कुल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, कि भाई ये पार्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. Which of the bone not participate in the formation of knee joint? कौन सी बोन है जो knee joint बनाने में participate नहीं करती? तो आप इधर देखिए, मैं बनाता हूँ आपके सामने knee joint. ये आ गई femur, ये नीचे आ गई कौन? Tibia. ये side से निकल के आ रही है कौन? Fibula. और यहाँ पर आ गई patella. तो knee joint कौन बना रहा है? Femur, tibia और कौन? Patella. फिबुला तो साइड में रह गई, इसलिए फिबुला कभी भी नी जॉइंट के कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, साइड में देख लीजिए आप. तो आंसर आ जाएगा फोर्थ, फिबुला. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मेनली फाउंड इन डायन्सिफेलोन, ब्रेन फोर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, टिलेन्सिफेलोन और डायन्सिफेलोन. तो ये पूछ रहे हैं कि डायन्सिफेलोन में कौन सा पार्ट होता है, देख ले. मेनली फाउंड, ध्यान रखिए, पॉन्स कोई लेना देना नहीं, ये तो अलग ही आ गया. बेसल गैंग्लिया इसका भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना. डायन्सिफेलोन का पूछ रही है. कॉर्पोरा, क्वाड्रिसेप्स, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस मेन पार्ट होता है किसका? बेसल गैंग्लिया के भी न्यूक्लिय इन्वॉल्व होते हैं, बट मेन पार्ट किसका होगा? हाइपोथैलेमस, लार्जेस्ट पार्ट, मेनली फाउंड. करेक्ट आंसर इज
4. Next, question number, देखिए आप, 16, ब्रेन स्टेम. ओके गाइस, ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय, ब्रेन स्टेम आप सभी जानते हो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से मिलकर बनती है. मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में पॉन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये इसके दो पार्ट हैं, इसका एक पार्ट है, मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम. मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ना फोर ब्रेन, ना फोर ब्रेन, ना. करेक्ट आंसर फर्स्ट. अगला क्वेश्चन लीजिए, 70, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अभी अपनी बात हुई थी कि एक्सोन के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी कि आरएमपी होता है माइनस 70 मिलीवोल्ट, 65 टू 70 मिलीवोल्ट होता है माइनस में. इसको मेंटेन कौन रखता है, इसको मेंटेन रखने की रिस्पांसिबिलिटी होती है. तीन सोडियम बाहर जा रहे हैं, दो पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, यानी कौन सा हो गया, हॉर्मोन्स नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, आयंस पंप, ये वाले आयंस पंप, एंड एंजाइम्स का कोई लेना देना नहीं है, तो कौन हो जाएगा, ये पंप मेंटेन करते हैं, कौन से, सोडियम पोटेशियम एटीपी, जिसको बोल रहे हैं अपन आयंस पंप. करेक्ट आंसर हो गया थर्ड. अगला क्वेश्चन देखिए आप, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन पाम, अपने जो पाम है, पाम में कितनी बोन्स है, तो पाम तो आपको पता है कार्पल तो रिस्ट बनाती है, ये तो रिस्ट बनाएगी, गलत हो गया, मेटाकार्पल ये बना सकती है, मेटाकार्पल बनाती है, लेकिन फेलेंजेस का कोई लेना देना, ओनली मेटाकार्पस. करेक्ट आंसर इज थर्ड, कार्पल मेटाकार्पल ना, ये तो पूरा का पूरा हैंड बन जाएगा, ठीक है ना. करेक्ट आंसर है ओनली मेटाकार्पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, ऑल रिप्स आर बाइसिफेलिक मींस मींस, अपनी जो रिप्स होती है, अपन को पता रिप्स जो है इस तरह से होती है, एक तरफ किससे जुड़ती है, डोर्सल वेंट्रल साइड से, वेंट्रल साइड से किससे जुड़ती है, स्टर्नम से, और डोर्सल साइड से किससे जुड़ती है, डोर्सल साइड से किससे जुड़ती है, डोर्सल साइड से आपसे जुड़ती है, क्या नाम आपके, वर्टिबल कॉलम से, और जिधर डोर्सल साइड से जब ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती है, थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ती है, तो यहाँ पर इसके हेड कितने हो जाते हैं, टू हेड होते हैं, ध्यान रखिएगा, जबकि फ्रंट में ओनली वन हेड होता है. तो दे आर्टिकुलेट विद बोथ स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ना ऐसे तो टू रिब्स हो जाएगी जो पीछे और आगे दोनों जुड़ती है. दे आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम ओनली, स्टर्नम ओनली, ओनली स्टर्नम टू थोरेसिक वर्टिब्रे से टू आर्टिकुलेशन पॉइंट, ना दे हैव टू आर्टिकुलेशन पॉइंट एट द डोर्सल साइड, डोर्सल साइड मतलब जब वर्टिब्रल कॉलम की थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच होगी तब इसके दो हेड है, यानी कि डोर्सली बाइसिफेलिक है, वेंट्रली मोनोसिफेलिक है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया. फिर कह रहा दे हैव वन आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑन डोर्सल साइड, गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, रेड मसल फाइबर कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द व्हाइट मसल फाइबर, यानी क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर में मेन डिफरेंस क्या है, एज द फॉर्मर हैव, फॉर्मर हैव का मतलब है रेड मसल फाइबर में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, रेड मसल फाइबर में हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर ज्यादा होते हैं, मोर अमाउंट, फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट पीरियड, ना कॉन्ट्रैक्शन इसमें स्लो होता है, इसलिए टाइटनेस कम होती है, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन नहीं होता है, ये भी गलत हो गया. लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है, इसलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, शॉर्ट होता है इसका, ये बिल्कुल सही बात है. एनारोबिक रेस्पिरेशन, ना मेन रेस्पिरेशन का कौन सा, एरोबिक होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड. क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आप, अमंग द फॉलोइंग प्रोटीन्स आपको दे रखे हैं, हाउ मेनी आर प्रेजेंट इन द आई बैंड एंड एच बैंड, तो अब आपको थोड़ा पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, जब अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो आपको पता है बीच में ये मायोसिन होता है, इन दोनों के बीच में ये जेड वन है, ये जेड टू है, और इधर फिर दूसरा मायोसिन आ गया, इधर तीसरा मायोसिन आ गया. Yeah? अब कह रहा है आई बैंड की बात कर रहा है, आई बैंड कौन सा हो गया, यहां से लेकर यहां तक का जो है ये पूरा क्या है, आई बैंड है, ये भी क्या है, इधर से यहां से लेकर यहां तक आई बैंड है, तो आई बैंड के अंदर, और दूसरा ये बीच वाला जो जगह है ये कौन सी आ गई, एच जोन, बीच वाली जगह को दो एक्टिन के बीच का डिस्टेंस क्या है, जहां पर मायोसिन पड़ते हैं, एच जोन. तो अब ये कह रहा है कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आई बैंड में ट्रोपोसिन है, ट्रोपोमायोसिन तो होगा, क्योंकि आई बैंड जो बनता है एक्टिन से बनता है, और एक्टिन में ट्रोपोनिन भी है, ट्रोपोमायोसिन भी है, प्लस एफ एक्टिन भी, तो तीनों प्रेजेंट है किसके अंदर, प्रोपो ये भी है, ये भी है, ये तीनों स्ट्रक्चर किसके अंदर आ गई है, आई बैंड का मतलब एक्टिन के अंदर आ गई है, क्लियर. चलिए साहब, और मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन किसके अंदर होता है, मायोसिन के अंदर, और मायोसिन कहां पर लोकेटेड होता है, आपको पता ही है कहां लोकेटेड होगा,
एच जोन के अंदर होगा तो इसका ओनली वन है जो इसमें प्रेजेंट होगा। बाकी करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, तीनों जो स्ट्रक्चर है वो तो किसमें मिलेगी आपको, एक्टिन में मिल जाएगी और ये मिल जाएगी मायोसिन में यानी आई बैंड में, और एच के अंदर केवल न्यूरोमायोसिन वो जिसको रिप्रेजेंट करता है मायोसिन को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया 3-1। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगली अगर अपन बात करें रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। अब इसमें देखिए आपको डायग्राम दिया हुआ बहुत सिंपल सा, फिगर को आइडेंटिफाई करना, आपको पता है ए क्या है यहां पर और ये सारी चीजें, ए तो अपने आ गया हेड, ये बी क्या आ गया क्रॉस आर्म एनसीईआरटी की लाइन से बिल्कुल, सी क्या आ गया आपके एक्टिन बाइंडिंग साइट, और डी क्या आ गया आपके एटीपी बाइंडिंग साइट। मैच करा लो कोई दिक्कत ही नहीं है, देख लो आप ए आ गया हेड, बी क्रॉस आर्म, सी एक्टिन बाइंडिंग साइट, डी देख लीजिए आप कौन सी बाइंडिंग साइट है आपके एटीपी बाइंडिंग साइट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 76, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व आप बहुत अच्छे से जानते हो टोटल 12 पेयर्स होती है, इज ओनली सेंसरी, केवल सेंसरी, और सेंसरी कौन कौन सी होती है हमें पता है वो होती है फर्स्ट सेकंड और 8th, ये प्योर सेंसरी है ठीक है, तो ध्यान रखिए प्योर सेंसरी है सारी के सारी, और मोटर कौन कौन सी है 3, 4, 6, 11 and 12, ये सारी की सारी कौन सी है मोटर है, बाकी जो बच गई रिमेनिंग जो है वो कौन सी आ गई मिक्स्ड आ गई आपकी कौन सी 5, 7, 9 and 10, ये सारी की सारी कौन सी आ गई मिक्स्ड आ गई, तो सेंसरी है मोटर ये। अब स्पाइनल एसेसरी ये 11 नंबर होती है 11 है नहीं है, हाइपोग्लॉसल 9 वाली होती है ये भी नहीं है, वेगस 10th वाली होती है, ऑडिटरी कितनी होती है 8th होती है, तो 8th किसके अंदर आ गई ये आ गई 8th प्योर, करेक्ट आंसर हो गया कौन सा 4th। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विद बॉडी टेम बॉडी पोस्चर को भी बनाना है, इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, कोऑर्डिनेटेड रैपिड मस्कुलर मूवमेंट भी करता है, इसका कंट्रोल तो एक ही करता है कौन सेरिबेलम, बॉडी का बैलेंस बनाने का जो क्रेडिट जाता है किसको जाता है सेरिबेलम को, तो करेक्ट आंसर क्या है स्ट्रेट फॉरवर्ड 4। नेक्स्ट लिम्बिक सिस्टम बहुत अच्छे से जानते हो, लिम्बिक सिस्टम इमोशनल ब्रेन इज कंसर्न विद द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर ऐसा काम नहीं करता है जो काम लिम्बिक सिस्टम नहीं करेगा कौन सा है, रेगुलेशन सेक्सुअल बिहेवियर करता है, एक्सप्रेशन इमोशनल बिल्कुल पता ही चल गया इमोशनल रिएक्शन को, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म जिसको अपन बोलते हैं हिपोकैम्पल लोब वो इससे कन्वर्ट करता है, रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग ना ब्रीदिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ब्रीदिंग कंट्रोल करने का सेंटर कौन है मेडुला ओब्लोंगेटा है, बोन से वो काम करेंगे है ना, रिदम को मेंटेन कौन करता है मेडुला ओब्लोंगेटा, तो करेक्ट आंसर हो गया 4th फंक्शन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डायन्सिफिलोन इज रेफर्ड एज ए रिले सेंटर, जो हाइपोथैलेमस है थैलेमस है सब थैलेमस है मेटाथैलेमस है और थैलेमस है बहुत सारे थैलेमस है डायन्सिफिलोन के अंदर, उनमें से रिले सेंटर का काम कौन सा करता है जो सबसे बड़ा पार्ट होता है थैलेमस का आई मीन टू से डायन्सिफिलोन का वो होता है आपके कौन थैलेमस, थैलेमस एक रिले सेंटर की तरह फंक्शन करता है, मैसेज को रिसीव करता है और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में उसको डाइवर्ट करता है ठीक है, तो रिले सेंटर इज थैलेमस नॉट हाइपोथैलेमस, करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आप जानते हो दो तरह के सिनेप्स होते हैं, केमिकल सिनेप्स होता है इलेक्ट्रिकल, दोनों में डिफरेंसेस होते हैं ठीक है, केमिकल ज्यादा होते हैं बॉडी में इलेक्ट्रिकल बहुत रेयर होते हैं अपनी बॉडी में ना, और कंडक्शन बहुत फास्ट होता है, देखिए क्या दोनों के अंदर डिफरेंस है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सिनेप्स फास्टर देन द कंपेयर टू केमिकल, बिल्कुल सही बात है फास्ट होता है इलेक्ट्रिकल में क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन होता है इसमें, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज रेयर इन ह्यूमन बॉडी बहुत रेयर होते हैं बिल्कुल सही बात है, टू न्यूरॉन्स हैविंग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बिल्कुल जुड़ते हैं कम्युनिकेट बाय टाइड जंक्शन, ये गलत है यहाँ पर आता है कौन सा जंक्शन बेटा गैप जंक्शन, प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन होता है, तो ये गलत हो गया आपके। नेक्स्ट सिनेप्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज
ग्रेटली रिड्यूस, बहुत कम होती है इन द इलेक्ट्रिकल में, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, आई मीन जो सेंटेंस इनकरेक्ट है वो तो थर्ड है, आंसर इसका आ जाएगा कौन सा, थर्ड, तो यही तो पूछा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द एक्सोन मेम्ब्रेन ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या चीज होती है, सबसे बड़ी बात ये पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीपोलराइजेशन का। डिक्रीज, रीपोलराइजेशन का मतलब होता है पहले क्या था प्लस प्लस, फिर हुआ माइनस माइनस, और अब वापस क्या हो रहा है, बैक टू नॉर्मल, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो इसके अंदर आप 81 के अंदर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कि आपके डिक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ लीकी चैनल, ध्यान रखिएगा लीकी चैनल को अपन रेगुलेट नहीं कर सकते, लीकी चैनल ऑलवेज ओपन रहते हैं। तो ये कहता है परमेबिलिटी बढ़ गई है कम हो गई है कोई मतलब नहीं है, परमेबिलिटी उसकी फिक्स है भाई, ठीक है। ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटिंग चैनल, आपको बहुत अच्छे से पता है सोडियम चैनल तभी ओपन होगा जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना हो, डीपोलराइज स्टेज हो, रीपोलराइज हुआ या पोलराइज, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, क्लोज रहते हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप ऑलवेज ऑन रहता है एक्सेप्ट ओनली डीपोलराइज स्टेज, तो ये भी गलत हो गया। ओपनिंग ऑफ वोल्टेज चैनल पोटेशियम चैनल, बिल्कुल रीपोलराइजेशन में किसकी लेके पोटेशियम की, और पोटेशियम को फुलफिल करने के लिए चैनल क्या रहेगा, ओपन रहेगा, करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, नर्व इंपल्स ट्रेवल ओनली इन वन डायरेक्शन ड्यू टू, ये कह रहा है कि नर्व इंपल्स जो होती है वो सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जाती है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है, ऐसा क्या रीजन है। इसका रीजन है कि आपके प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, इसका तो मतलब नहीं है, ये तो एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, आयनिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, माइलिन शीथ कोई मतलब नहीं है, माइलिन शीथ में स्लो और फास्ट कंडक्शन हो सकते हैं। चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन अकर ओनली इन वन डायरेक्शन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ स्टिमुलस, बिल्कुल सही बात है, स्टिमुलस जो है उससे दूर ही जाएगा कंडक्शन, सो दैट नेक्स्ट न्यूरोन में एंटर कर पाए, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्लियर। चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन होती है ओनली फ्रॉम द एक्सोन टर्मिनस टू आर एक्सोन हिलोक, एक्सोन हिलोक की तरफ कभी नहीं जाएगी। एक्सोन हिलोक कहाँ होता है, ये आ गया सेल बॉडी, ये आ गया एक्सोन, ये आ गया सिनेप्टिक, करेक्ट, और यहां पर जो स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी, ये डेंड्राइट आ गए, सेल बॉडी और एक्सोन का जो जंक्शन होता है इसको अपन बोलते हैं एक्सोन हिलो, तो इधर थोड़ी आएगा कंडक्शन, कंडक्शन तो इधर दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी होता है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन 83, ए पर्सन प्लेस इन आइसोलेटेड न्यूरॉन, एक बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसने एक न्यूरॉन को लिया और आइसोलेटेड न्यूरॉन को कैल्शियम फ्री मीडियम में रख दिया, दोनों न्यूरॉन को कहां रख दिया, कैल्शियम फ्री में रख दिया, व्हाट विल हैपन, कैल्शियम के ना आपको पता ना तो एसिटाइल कोलिन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और ना ही किसी तरह का आपको पता सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होगा, दोनों बातें नहीं होगी और ना ही कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, नो न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज सिंस influx of calcium is required in order to neuron conduct a action potential, conduction के लिए, ये कह रहा है conduction के लिए कभी भी आपको पता है calcium की need नहीं होती, sodium की होती, इसलिए sentence गलत है। अगली बात, neurotransmitter is released, बिल्कुल, because of calcium is not required for the neurotransmitter release, ये भी गलत है क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर की नीड कैसे नहीं है, कैल्शियम की नीड है ही नहीं, कैल्शियम की नीड होती है तो ये गलत बात है, नाइदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, नाइदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा कैल्शियम के डेफिसिट से, नॉर ओपन द सोडियम चैनल, और ना ही सोडियम चैनल ओपन होगा किस पे, नेक्स्ट मेम्ब्रेन पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे, देखो ये आ गया प्री न्यूरॉन, यहां से एसिटाइल कोलिन रिलीज होकर आया बिकॉज ऑफ कैल्शियम, अब कैल्शियम से रिलीज होकर आया और जाकर ये बाइंड किससे होगा, अब यहां पर रिसेप्टर से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाइंड होगा तभी तो जाकर इसके अंदर क्या डेवलप होगा, एक्शन पोटेंशियल, तो ना ये रिलीज होगा ना ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा किसके अंदर, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, तो ये सही बात है, बाकी सब गलत है, करेक्ट आंसर होगा कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी गलत क्या है, देखो The forebrain is consist of cerebellum, गलत हो गया पहला ही भाई, क्योंकि यहां पर क्या होता है cerebrum होता है not cerebellum, तो correct answer पहला ही आ गया, first आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।
Next question. Empty space दिया है, star shape cell from the blood brain barrier. Blood brain barrier को बनाने वाली cell एक ही होती है, कौन सी? Astrocyte. तो correct answer is astrocyte. Microglia कौन सा होता है? Phagocytic होती है. Swan cell myelin sheath बनाती है, oligodendrocyte myelin ये बनाती है PNS में, और ये बनाती है किसमें? CNS में. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? एस्ट्रोसाइट, ब्लड ब्रेन बैरियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86. बिल्कुल सीधा सा डायग्राम दे रखा है आपको, आइडेंटिफाई करना है. यहां पर बी कौन है? देख लो, बी है कार्पस कैलोसम, और यहां पर सी क्या है? सेरिब्रम, और यहां पर ए क्या है? पोन्स. तो करेक्ट आंसर निकाल लो आप, कार्पस कैलोसम, सेरिब्रम और पोन्स. करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? 4. करेक्ट आंसर इज 4. चलिए साहब नेक्स्ट आइए. अगला क्वेश्चन, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज ऑफ. आपको पता ही है फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन बेसिकली मेस्ट्रोसाइकल को रेगुलेट करता है, और मेनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और कम होने से कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है, कौन सी? ऑस्टियोपोरोसिस, जो बहुत कॉमन होती है. करेक्ट. तो करेक्ट आंसर इज 3. 88 पे आइए. हायोड बोन इज लोकेटेड, आप बहुत अच्छे से जानते हो, टंग जो होती है अपनी, टंग के पीछे यू शेप में लटकी रहती है, कौन? हायोड बोन. तो टंग आ गई, ये फ्रेनुलम आ गया, ये आ गई कौन सी बोन? हायोड बोन. तो हायोड बोन कह रहा है कहां पर होती है? कह रहा है टॉप ऑफ द बकल, टॉप पे तो नहीं है, फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. बकल कैविटी कौन सी पर है? फ्लोर पर है. टंग कहां होती है अपनी? फ्लोर पे होती है. तो करेक्ट आंसर हो गया 2. फ्रंट ऑफ स्कल ना, बिहाइंड ऑफ स्कल ना. करेक्ट आंसर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप. ओके, अगला क्वेश्चन है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस डिपेंड अपॉन, यानी कि जब इंपल्स कंडक्ट होती है ए टू बी जा रही है तो वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करती है एक तो माइलिन सीथ पे. अगर माइलिन सीथ होगा तो डेफिनेटली नोड ऑफ रेनवीर होंगे, नोड ऑफ रेनवीर होता तो कंडक्शन बहुत फास्ट होगा, उस कंडक्शन को अपन बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन. करेक्ट. तो एक तो इस पर डिपेंड करेगी माइलिनेटेड, यानी माइलिनेटेड में बहुत तेज होता है कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में स्लो होगा. डायमीटर न्यूरॉन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डायमीटर अगर कम होगी तो कंडक्शन क्या होगा? स्लो होगा. ये ना मैं एक रिलेशन बता देता हूं आपको, डायमीटर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो डायमीटर जितना ज्यादा होता है कंडक्शन उतना रैपिडली मूव करेगा. तो ये डायमीटर पे भी डिपेंड करता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि दोनों सही है. कौन से? आपके फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4. करेक्ट आंसर इज 4. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए 90. क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर आपको दे रखे, कौन सा इनहिबिटरी? नॉरएपिनेफ्रिन, ये तो आपको पता ही एक्साइटेटरी है. एड्रेनालिन, ये भी एक्साइटेटरी है. एसिटाइलकोलाइन, ये भी एक्साइटेटरी है. डोपामिन इनहिबिटरी है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि डोपामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? पार्किंसन डिजीज होती है. चलिए सब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. मेडुला ऑफ द ब्रेन कंटेन, ये कह रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ब्रेन का, उसके मेन कंटेंट्स क्या-क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, बिल्कुल होता है रेस्पिरेशन सेंटर. कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशन सेंटर होता है. ऑल आर करेक्ट, सारे सेंटर्स होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. नी जर्क रिफ्लेक्स डू नॉट हैव, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर एक एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा डायग्राम बना रखा रिफ्लेक्स का, इसमें एक पेयर है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का एक ट्रांसवर सेक्शन कट किया हुआ है, इसमें ग्रे मैटर भी है, वाइट मैटर भी है, हॉर्न भी है ना, डोर्सल रूट भी है, वेंट्रल भी है, सब है इस तरह से, ये बना हुआ ऐसा, ठीक है. यहाँ से नर्व जाती है, आपको बताइए जैसे आप यहाँ से स्टिमुलस देते हो नर्व जाती है, ये नर्व किस में जाती है? यहाँ से होते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन में, फिर यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ पे से वापस आ जाती है उनके वेंट्रल नोड से. ये पूरा का पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क आपको याद ही है. तो ये कह रहा है कि इनमें कौन सी चीज नहीं होती है? डू नॉट हैव एफरेंट पाथवे, बिल्कुल एफरेंट तो होता ही, मैसेज ले जाने वाला कौन सा है भाई? आज मैंने यहाँ से पिन से प्रिक किया तो मैसेज मेरे ब्रेन में गया, स्पाइनल कॉर्ड में गया, तो ये एफरेंट नर्व ले जा रही है सेंसरी, ये तो होगा. ईफरेंट वापस लाती होता है मसल स्पिंडल, रिसेप्टर तो होते ही, तभी तो
रिसेप्टर ने तो सबसे पहले मैसेज को क्या क्या रिसीव किया था ये भी होगा। इंटर न्यूरोन का इसमें पार्टिसिपेशन बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंसिडर नहीं किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा इसका 4। ओके गाइस, नी जर्क, देखो देर का नी जर्क, इसे मोनोसिनेप्टिक सिनेप्स के अंदर काउंट करते हैं अपन। ओके, करेक्ट आंसर इसका 4 लेना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है, देखो यहाँ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जब अपन कंडक्शन थ्योरी पढ़ते हैं तो ये 0 मिलीवोल्ट, ये एक्साइटेटरी होता है 40 मिलीवोल्ट, ये किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 30 है, कोई दिक्कत नहीं। और ये होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है -70 मिलीवोल्ट। अब आप जब इस नर्व को स्टिमुलेट करते हो यहाँ पर, तो ये नर्व धीरे से कंडक्ट होकर यहाँ तक जाती है, उसके बाद में फायरिंग होती है। ये जो लेवल है इसे अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? थ्रेश, यानी इस लेवल पे पहुंचने के बाद में ये कंडक्शन कंप्लीट, ये प्रोसेस कंप्लीट होके आएगा। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचा तो ये कंडक्शन डाउन हो जाएगा वापस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये जो लेवल है ये -55 के आसपास होता है, 55 के आसपास, एग्जैक्ट 55 to 60 करेक्ट आंसर है 50। ज्यादातर स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि ये वाला है, ये तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जब नर्व बिल्कुल कंडक्शन नहीं कर रही। थ्रेशोल्ड का मतलब है आपने स्टिमुलस दे दिया और कंडक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन कंडक्शन जस्ट इनिशिएट हुआ ही है, उस लेवल को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। करेक्ट आंसर इज सेकंड। 93 क्वेश्चन, 94 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। जेड लाइन्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ लाइट बैंड, ये कह रहा है जो जेड लाइन है, ये दोनों जेड लाइन, Z1, Z2 और ये आगे बीच में मायोसिन। जेड लाइन्स आर प्रेजेंट सेंटर ऑफ लाइट बैंड। लाइट बैंड का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, आई बैंड, आई बैंड के बिल्कुल सेंटर में, करेक्ट ही होगा, आई मीन करेक्ट है। थिन फिलामेंट आर फॉर्मली अटैच्ड टू द एम लाइन। थिन फिलामेंट कौन से होते हैं? एक्टिन, और एक्टिन किससे जुड़े होते हैं? जेड लाइन से, नॉट एम लाइन से। एम लाइन तो यहाँ है बीच में, जिससे कौन जुड़ा हुआ है? मायोसिन जुड़ा हुआ है, तो ये गलत हो गई बात। द सेंटर पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट है मायोसिन, इसका सेंटर पार्ट ये रहा, नॉट ओवरलेट बाय थिन फिलामेंट, बिल्कुल थिन फिलामेंट से नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड जेड बैंड। जेड बैंड नहीं बोलते इसको, एच जोन बोलते हैं, ठीक है ना। सो गाइज ये भी गलत हो गया आपके। लाइट बैंड, ये रहा लाइट बैंड, कंटेन ओनली थिन फिलामेंट्स, यस ओनली थिन फिलामेंट ही होते हैं यहाँ से, थिन का मतलब एक्टिन ही होते हैं लाइट में। तो चलिए करेक्ट आंसर हो गया ए एंड डी, ए एंड डी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, एन एक्सोन, एक एक्सोन बना रहा है, ये कह रहा है एक ही एक्सोन है, ये सेल बॉडी आ गई, ये डेंड्राइट आ गए, ये एक्सोन है। एक्सोन के जो है वो 4 टर्मिनल है, कितने हैं? 4 टर्मिनल है, एक मिनट, कितने टर्मिनल है? 1 2 3 4, और इससे भी एक सिनेप्स बन रहा है, इससे भी सिनेप्स बन रहा है, इससे भी सिनेप्स बन रहा है, इससे भी। यहाँ से सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई इंपल्स आ रही है ट्रेवल करती हुई, तो इसमें ए बी सी और डी, ये 4 न्यूरॉन है, इनमें से सबसे ज्यादा कंडक्शन किसमें फास्ट होगा या कंडक्शन का रेट क्या रहेगा? ऑप्शन देखिए आप, ए एक्सोन है, एन एक्सोन है, 4 टर्मिनल एंड ये 1 2 3 4 कनेक्ट विद द डेंड्राइट, ये डेंड्राइट से कनेक्ट हो गए आगे वाले न्यूरोन के, for the different neurons its nerve impulse will be passed to the one neuron, केवल एक में जाएगी ना सब में जाएगी, equally distribute होगी, एकदम become weak, कोई weak नहीं होगी, conduction कभी weak नहीं होता, उसी flow में जाता है, travel in the all 4 neurons in equal strength, बिल्कुल सबके अंदर जाएगा, एक same equal conduction होगा, same conductive path में होगा, किसी तरह का कोई deficiency excess नहीं होगा, वही speed होगी, not travel anyone, बिल्कुल गलत, travel तो करेगा ही। third correct answer is third। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है, आप कॉलम मैच कराने, देखिए आप कॉलम मैच की अगर अपन बात करें तो देखिए डाइनसिफेलोन है, डाइनसिफेलोन किसके अंदर होता है आपको पता ही है, थैलेमस के अंदर, तो 4 आ गया इसका। तो टीलेनसिफेलोन है जिसके अंदर आपको पता ही है क्या आता है, सेरिब्रम आता है, और सेरिब्रम में खूब सारे न्यूक्लिय होते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है न्यूक्लिय, एमिगडाला ये आ जाएगा, ठीक है। माइलेनसिफेलोन में कौन आता है? मेडुला ओब्लोंगा। मेटेन में कौन आता है? सेरिबेलम। तो करेक्ट आंसर हो गया 4 3 2 1 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए आपको एक इस तरह का एक मसल कॉन्ट्रेक्शन का डायग्राम दिया हुआ है, और इस मसल कॉन्ट्रेक्शन के डायग्राम में आपको सेलेक्ट करना है कि ए ए बी सी डी क्या है। यहाँ पर देखो ए है, मैं लिख देता हूँ जूम करके, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बेसिकली दे रखा है सी, इसको आपको लेबलिंग करना है कि कौन सा इवेंट हो रहा है ए और बी के साथ। तो आपको बहुत अच्छे से पता है इसको, जब आप गौर से देखोगे एक एक स्टेप को एनसीईआरटी वाले स्टेप से सारे के सारे, तो आप मैच करो
कि जो बी है, ये रहा बी, यहां से आते हैं अपन, बी क्या है, बी जो है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो रहा है क्या यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस, बिल्कुल एक्टिन किससे जुड़ता है, क्रॉस ब्रिज, देखो लिखा हुआ क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज का यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे बड़ी बात, तो बी के अंदर हो गया फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब आ जाओ आप, कौन सा कह रहा है, सी, सी के अंदर वापस क्रॉस ब्रिज क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, तो ये सी के अंदर ब्रेकिंग हो जाएगा, ठीक है। और ए में क्या हो रहा है, रोटेशन और स्लाइडिंग, रोटेशन और स्लाइडिंग, करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थ्री, बहुत सिंपल है, आप मैच करा लेना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय, अंडरलाइन करिए, नीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन इसी टाइप का, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा सा कंसेप्ट निकल के आ जाएगा इससे, ये लीजिए एक्टिन और ये मायोसिन। अब आप देखिए, व्हेन मायोफिब्रिन स्लाइड, यानी मायोफिलामेंट यानी एक्टिन और मायोसिन जब स्लाइड करते हैं ईच अदर, द एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, रिमेंबर गाइस कभी भी फिलामेंट की लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, लेंथ हमेशा शॉर्ट होती है किसकी, बैंड्स की, किसकी, बैंड की, आई बैंड और ए बैंड या जेड जोन, या बोल सकते हो आप एच जोन, आई नॉट जेड जोन, एच जोन एंड सार्कोमेर, ये कम ज्यादा हो सकती है, ये गलत हो गया, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन कभी नहीं होंगे, फिलामेंट तो कभी शॉर्ट होते ही नहीं है, ओनली उनकी बैंड की लेंथ चेंज होती है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन बट रेदर स्लाइड ईच अदर, जब वो स्लाइड करते हैं तो कभी शॉर्ट नहीं होते, व्हेन मायोफिब्रिन स्लाइड ईच अदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, ना शॉर्ट तो कुछ होते नहीं, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99, कॉलम मैचिंग करानी है आपको, देख लीजिए आराम से करा लीजिए कॉलम मैचिंग, क्या कह रहा है ये, कॉलम मैचिंग में देखिए आप, कॉलम रिस्ट बोन, रिस्ट बोन की बात करें तो कौन से होती है, कार्पल बोन, ये लीजिए, सेकंड थाई बोन, फीमर, ये लीजिए, एंकल बोन, टार्सल, ये लीजिए, पाम बोन, मेटाकार्पल्स, ये लीजिए, डिजिट्स बोन, तो अपन को पता ही कौन से हो जाएगी, फेलेंजियस, तीन, तो क्या है, 5, 2, 5, 4, 2, 5, 4, 1, 3, ये लीजिए, करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन आपको रिकॉग्नाइज दे रखा, फिगर दे रखा, बहुत इजी है, देखो आप एक्टिन का स्ट्रक्चर है, ये जो है वो ट्रोपोनिन है यहाँ पर, बी जो है वो ट्रोपोमायोसिन है और सी जो है वो एफ एक्टिन है। अब आप मैच करा लीजिए कौन सा, देख लीजिए आप इसके अकॉर्डिंग क्या मैच कर रहा है, सी जो है वो एफ एक्टिन है, बिल्कुल सही बात है, ए जो है वो ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोमायोसिन, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। ओके गाइस, दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर 100 क्वेश्चन, आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, अच्छे मार्क्स आए होंगे, पेपर का लेवल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा पेपर बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे पेपर्स एब्सोल्युटली परफेक्ट आ रहे हैं, तो आओ प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, आज अपन बात करेंगे बायोकेम में, इसमें चैप्टर अपना केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और सारा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाया है अपन ने, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला था इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के लिए अगर बात करें कौन सा इनकरेक्ट है, असत्य है, तो पहले बात करें, सबसे पहले अपन एस करेक्टर लगाएंगे, फैक्टर कौन सा लगाएंगे, एस करेक्टर लगाएंगे, एस करेक्टर में अपन हाइब्रिडेशन काउंट करेंगे, देखिए इसमें बेटा कौन सा हाइब्रिडेशन है, एसपी, इसमें कौन सा है, sp2, इसमें कौन सा बेटा, sp3, तो एस करेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखना, एस करेक्टर इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, और सबसे पहला फैक्टर अपन कौन सा लगाएंगे, एस करेक्टर लगाएंगे, तो यहां कितना हो जाएगा 180, 120 और यहां 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास हो जाएगा, तो ये अपना बिल्कुल राइट है। यहां बात करें बेटा एसपी हाइब्रिडेशन है, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है, अगर हाइब्रिडेशन सेम आ जाए, अगर हाइब्रिडेशन सेम है तो अपन बॉन्ड एंगल किससे देंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर से देंगे, सेकंड फैक्टर क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो नंबर ऑफ लोन पेयर देखें, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, तो इसका बॉन्ड एंगल हल्का सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें आएगा, NO2 प्लस, फिर किसमें आएगा, NO3 माइनस, और फिर किसमें आएगा, NO2 माइनस, तो ये भी स्टेटमेंट अपना बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं थ्री में, H3O प्लस, NH3 H2O एंड NH2 माइनस, अगर हाइब्रिडेशन देखें तो इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, इसमें भी sp3 है, तीनों में sp3 है, तो सेकंड फैक्टर लगाएं नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर लगाएं तो इसमें दो लोन पेयर है बेटा, इसमें भी दो लोन पेयर है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, तो अपन क्या लगाएंगे, EN, या तो सेंट्रल एटम की या लेटरल एटम की, यहां देखिए सेंट्रल एटम अलग अलग है, तो सेंट्रल एटम की EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, बॉन्ड एंगल, तो इसमें अपना इसके ऑपोजिट आएगा,
इसके ऑपोजिट आएगा क्योंकि ऑक्सीजन की ईएन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि इसमें सही स्टेटमेंट कैसे आता, H3O प्लस NH3 H2O एंड NH2 माइनस आता, क्या था, NH2 माइनस। ये राइट ऐसे होता परंतु इसने देखो साइन उल्टा लगा रखा है, दूसरा अलग लगा रखा है, तो अपना आंसर आ गया थर्ड। इसमें बात करें ये राइट कैसे है, ये ग्रुप है बेटा, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे। अगर सेंट्रल एटम के पास एक या दो लोन पेयर है, अगर सेंट्रल एटम के पास एक या दो लोन पेयर है तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो यहां बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अपना राइट स्टेटमेंट आएगा थर्ड कि ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट पूछा है ना बेटा, इनकरेक्ट कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कंपाउंड इज प्लेनर, प्लेनर का मतलब ये हो बेटा कौन से हैं जो एक ही प्लेन में है, कौन से जो एक ही प्लेन में है। PCl5 में देखें बेटा, PCl5 इस प्लेन में, तीन तो इस प्लेन में पड़े हैं, एक ऊपर और एक नीचे पड़े, तो ये नॉन प्लेनर हो गया। ठीक है, SF4 की बात करें पाई शेप है, पाई शेप है, तो इसमें भी कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा। बेटा जी एक चीज ध्यान में रखना कि जब भी पिरामिड वर्ड लग जाए वो हमेशा कैसा मिलेगा, नॉन प्लेनर मिलेगा। पिरामिड वर्ड लगते ही वो हमेशा नॉन प्लेनर मिलेगा। इसमें बात करें 4-5 सिग्मा हो गए तो ये भी नॉन प्लेनर हो गया। SF2 के लिए बात करें बेटा, SF2 में देखिए वी शेप हो गई, वी शेप टी शेप स्ट्रक्चर हमेशा कैसी होती है, प्लेनर होती है। वी शेप टी शेप स्ट्रक्चर हमेशा प्लेनर होती है, प्लेनर एंड पोलर होती है। याद रखना ये वी शेप टी शेप स्ट्रक्चर हमेशा पोलर एंड प्लेनर होती हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्योमेट्री ऑफ TeCl4 इज, TeCl4 की ज्योमेट्री देखें। सबसे पहले बेटा इसमें हाइब्रिडेशन काउंट करते हैं, इसमें हाइब्रिडेशन देखा, चार तो बॉन्ड है और एक क्या है इसके पास लोन पेयर है, तो इसमें हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। sp3d में कंडीशन क्या बन गई बेटा, चार सिग्मा एक लोन पेयर की कंडीशन बन गई, चार सिग्मा एक लोन पेयर की कंडीशन बन गई अपने पास। तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, सीसो स्ट्रक्चर बनाता है बेटा ये, या इसको पाई शेप भी बोल देते हैं, या इसको के शेप भी बोल देते हैं, ये सभी इसी के नाम है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा सीसो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आयन बोथ द स्पीसीज आर नॉट लिक्विड टू एग्जिस्ट, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती बेटा जी, जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, जिनका बॉन्ड ऑर्डर शून्य होता है वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, एवरेज बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में एवरेज बॉन्ड ही जीरो है, एवरेज बॉन्ड ही जीरो है तो मॉलिक्यूल बना ही नहीं है। ठीक है, तो अपन बॉन्ड ऑर्डर जीरो देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जीरो कहां कहां पर होता है, एक तो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तब जीरो होता है, एक 8 पर जीरो होता है, और एक 20 इलेक्ट्रॉन, और एक जीरो इलेक्ट्रॉन हो तो भी जीरो ही होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो इन स्पीसीज में जिनके पास ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। तो अपन चेक करते हैं बेटा He2+2, इसमें जीरो इलेक्ट्रॉन है, He2 चार इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के लिए ही बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा अपने को, बॉन्ड ऑर्डर जीरो मिल रहा है, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। दूसरे में अपन देखें He2-1, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5 आएगा। He2+2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, एक आएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। यहीं पर इसे देखें, इसका कितना आएगा 0.5, इसका कितना आएगा 1, और इसका कितना आएगा 1, और इसका कितना आएगा बेटा 1 ही आ जाएगा। देखो कैसे, आप देख लेना, 2, 4, 6, 8 इन पर कितना कितना मिलेगा अपने को, 1, 0, 1, ये बॉन्ड ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 पर 1, 4 पर 0, 6 पर 1, 8 पर 0। ठीक है, 8 से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 14 पर अपने को कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, और 20 पर अपने को कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाता है, 20 पर कितना मिल जाता है, 0। 8 से जैसे ऊपर जाओगे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 इंक्रीज होता है बेटा, तो 9 पर कितना आ जाएगा अपने पास 0.5, 10 पर 1, 11 पर
1.5, 12 पर 2, 13 पर 2.5, इधर जाओगे तो 0.5 से डिक्रीज होता जाएगा, इधर जाओगे 0.5 से डिक्रीज होता जाएगा, इनके बीच में कहीं बात करें तो आंसर आएगा 0.5। जैसे किसी में एक इलेक्ट्रॉन है तो 0.5, तीन है तो 0.5, पांच है तो 0.5, सात है तो 0.5, इनको छोड़कर बाकी आठ तक जो भी मिल रहा है उन सब में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, कितना आएगा 0.5। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अपना इसमें आंसर कौन सा आ गया बेटा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल शेप के लिए नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होने चाहिए और हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए। अपन बात करते हैं, देखिए इसमें सी सॉ शेप आ गई, इसमें कौन सी स्क्वायर प्लेनर आ गई, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं है अपना। इसमें बात करें बेटा, इसमें कौन सी आ जाएगी, टी शेप आ जाएगी। इसमें हाइब्रिडेशन काउंट किया, ज़ीनोन कितना, आठ, आठ में से एक गया, कितने बचे सात, सात में से तीन गए, तीन सिग्मा और दो लोन पेयर, तो क्या बन गया, यहां भी टी शेप, इसमें भी टी शेप आ जाएगी, दो लोन पेयर हो गए, तीन सिग्मा हो गया, तो इसमें बेटा शेप सेम मिल रही है, आंसर आ जाएगा अपना सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, सेलेक्ट करेक्ट चेंज फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजनरेटेड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सम भ्रंश प्रतिबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के परिवर्तन का सही चुनाव कीजिए। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे परिवर्तित होती रहती है उसकी बात करें, देखिए प्रतिबंधित में बात कर रहे हैं, प्रतिबंधित O2 plus 1 में एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, कितना एक, O2 में कितने मिलते हैं दो, O2 minus में कितने मिलते हैं तीन, O2 minus 2 में कितने मिलते हैं चार, बेटा ये याद रखना, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड आयन है, ये कौन सा है परऑक्साइड आयन है, याद रखना इनको, सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड है। तो अपन देखें यहां तो इंक्रीज हो रही है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपने पास, यहां क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यहां इंक्रीज हो रहा है, यहां डिक्रीज हो रहा है, यहां इंक्रीज हो रहा है, तो अपने पास कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि एक से दो इंक्रीज, दो से तीन इंक्रीज, तीन से चार इंक्रीज, चार से एक डिक्रीज हो गया, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, इसको परऑक्साइड आयन बोलते हैं, इसको सुपर ऑक्साइड आयन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, आयनिक बॉन्ड पर क्वेश्चन है बेटा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर गिवन प्रॉपर्टीज, पहली बात करें थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी बेटा दो चीजों पर डिपेंड करती है, थर्मल स्टेबिलिटी एक तो आपको लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करती है, याद रखना थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के, और इनवर्स होती है बेटा जी किसके, फाई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के और इनवर्स होती है किसके, फाई के। लैटिस एनर्जी पर कब डिपेंड करेगी, जब बेटा जी मोनो एटॉमिक होगा, मोनो एटॉमिक होगा, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, अपने पास हाइड्राइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, कार्बाइड, मोनो एटॉमिक जो भी है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी पर, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या बता रहा है, डिक्रीज हो रही, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है अपने पास। नेक्स्ट बात करें, कोवलेंट कैरेक्टर फाइस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, ये भी ध्यान रखना बेटा, मल्टी एटॉमिक के लिए, मल्टी एटॉमिक, ये दोनों चीजें ध्यान रखें आप, थर्मल स्टेबिलिटी अभी यही अपने क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करें कोवलेंट कैरेक्टर, MgCO3 कार्बोनेट तो सेम है बेटा, तो केटाइन छोटा है तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी अपना राइट है। नेक्स्ट बात करें ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑन हीटिंग टू सेम टेम्परेचर, अपने अभी बताई कि फाई ज्यादा होगा जिसका, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, फाई इसमें ज्यादा किसका बेटा, बेरिलियम का है, तो इसका फाई ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, इसकी कम है, ठीक है, तो ये जल्दी से क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बना लेगा, तो ये स्टेटमेंट भी अपना राइट है। नेक्स्ट बात करें सॉल्युबिलिटी इन वाटर, फर्स्ट ग्रुप के फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट ग्रुप के फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है बेटा, हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड की याद रखोगे, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी है टॉप टू बॉटम जाने पर, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की दोनों की क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर, ये भी आयनिक बॉन्ड पर है, LIF, NAF, KF, RBF, लैटिस एनर्जी, अभी मैंने बताया कि लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम पर जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया,
रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। आयनिक करेक्टर की बात कर रहा है बेटा, आयनिक करेक्टर में केटाइन कैसा होना चाहिए, बड़ा केटाइन बड़ा होना चाहिए, एनाइन कैसा होना चाहिए छोटा, केटाइन तो क्या है यहां पर सेम है बेटा, तो एनाइन स्मॉल कौन सा है, फ्लोराइड स्मॉल है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, ऑपोजिट होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। पोलराइजेशन पावर की बात करें तो ये पोलराइजेशन पावर के लिए कैडमियम और कैल्शियम में चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो अपन क्या देखें, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ्रिगेशन देखेंगे, जिनमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ्रिगेशन पाया जाता है उनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, किसके कंपेयर में, इनर्ट गैस कॉन्फ्रिगेशन के कंपेयर में, तो कैडमियम की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, कैल्शियम के कंपेयर में। इन दोनों में कंपेयर करें चार्ज के बेस पर, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि अपने को पता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, क्यू बाई आर के, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी की बात करें तो अपन देखते हैं कि चार्ज जितना ज्यादा होगा, साइज जितना ज्यादा होगा, ध्रुवणता उतनी ज्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एटम इज सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाइब्रिडाइजेशन देखिए बेटा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट किया, इसमें sp2 आ गया, इसमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट किया, इसमें क्या आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया अपने पास। ठीक है बेटा, इसमें बात करें sp3 है और इसमें भी क्या है, sp3 ही है, सेम हाइब्रिडाइजेशन रह रहा है, ये रिएक्शन भी अच्छी रिएक्शन है बेटा, ये दोनों को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, क्योंकि जितनी भी एम्फोटेरिक मेटल होती है वो बेस से रिएक्शन करके H2 देती है, H2 क्या करता है, नाइट्रेट आयनों का क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है, तो अपन ने क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ बेटा, sp2, और इसमें कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, तो यहां हाइब्रिडेशन चेंज हो गया। AlCl3 में हाइब्रिडेशन कौन सा है, यहां पर sp2, और यहां कौन सा हाइब्रिडेशन बेटा, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, तो यहां भी हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा कौन सा, सेकेंड आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, MOT पर बेस्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर अबाउट द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य के बारे में सही कथन चयन कीजिए। देखिए बॉन्ड ऑर्डर काउंट करें, O2- कौन सा आयन था, ये परोक्साइड आयन था, O2- का अभी अपन ने देखा था कितने, 1 था, O2 O2-2 का 1, O2- का 1.5, O2 का कितना था बेटा 2, O2+ का कितना आएगा 2.5 आएगा, कितना आएगा 2.5। बंध सामर्थ्य की बात करें तो बंध सामर्थ्य अपने को किसकी ज्यादा मिलेगी, O2+ की, फिर O2 की, फिर O2 माइनस, फिर O2 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कर विच अमोंग द फॉलोइंग अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट, निम्न में से कौन सा प्रबलतम आकर्षण बल है। देखिए बेटा यहां पर अगर अलग होता तो ये क्या आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स बन गया है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग अपना किसमें मिलेगा, HF और H2O के बीच में मिलेगा, क्योंकि इन पर पार्शियली चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें, देयर इज ए लार्जर डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन के लिए स्पेशली बात कर रहा है बेटा, डाई ऑक्सीजन के लिए अपन लिखते हैं बेटा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, या तो डायग्राम से कर सकते हैं आप, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px बराबर पाई 2py, पाई 2px स्टार इक्वल टू पाई 2py स्टार सिग्मा 2pz स्टार की बात करें। तो देखिए सिग्मा 2px एंड पाई 2py, ये इसको मान ले सिग्मा, फिर ये पाई, इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां बात करें पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी स्टार, ये पाई स्टार के बीच में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां बात करें सिग्मा टू पी, सिग्मा टू पी ये रहा, सिग्मा टू एस, इनके बीच में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां बात करें सिग्मा टू पी, सिग्मा टू पी ये रहा स्टार, सिग्मा टू पी स्टार ये रहा, सिग्मा टू एस, सिग्मा टू एस ये रहा, इन दोनों के बीच में बेटा एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा, ये एमओटी पर बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं,
According to MOT, B2, B2 plus and B2 minus all are paramagnetic number of unpaired electron in them are respectively. बेटा जी एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम MOT में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन दो ही जगह पर होते हैं, एक तो 10 पर और एक 16 पर, कितने? दो. इसके सिवाय जो भी पैरामैग्नेटिक है, सब में कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन आएगा. तो अपन कह देंगे 10 और 16 जब भी आता है तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने को 10 सबसे मैक्सिमम मिलता है. तो B2 में कितने होते हैं? 10. तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? दो. बाकी जो भी पैरामैग्नेटिक है सारे के सारे कैसे होंगे? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रखेंगे. और पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे? जिनमें बेटा कितने विषम संख्या में या ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे. इवन नंबर में होने पर वो डायमैग्नेटिक होंगे. किसको छोड़कर? 10 और 16 आप कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं. वो अभी अपन ने बताया. तो इसमें कितने होंगे? एक पैरा है, ये भी पैरा है. तो आंसर आ जाएगा अपना 211 फर्स्ट आंसर आ जाएगा अपना. नेक्स्ट बात करते हैं. सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. बेटा जी बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, मतलब साइज जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी. तो यहां देखें BR-BR की साइज बड़ी है, CL-CL से बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट राइट है, ठीक है. CL-CL और OCL दोनों CL-CL है, यहां एक ऑक्सीजन एक CL है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल राइट है. PO और CL, O सेम है. P और CL में बात करें साइज किसकी बड़ी है? P की बड़ी है. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. यहां बात करें PO बॉन्ड है और PS बॉन्ड है. PP तो सेम है, O और S में से बड़ा कौन है बेटा? S बड़ा है. तो ये साइन कैसा आता? ऐसा आता. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. इनकरेक्ट पूछा तो आंसर आ गया अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा, ठीक है. फोर्थ नेक्स्ट बात करते हैं. 15 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज इट्स हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन इट्स लेटेस एनर्जी. बेटा सल्फेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है. मतलब क्या है? यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे? लेटेस एनर्जी से. ये इनसोल्यूबल होता है. यहां हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है किससे? लेटेस एनर्जी से. तो अपना आंसर आ जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी कहां ज्यादा है? लेटेस एनर्जी से. फोर्थ आंसर अपना आ जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट ए पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक के लिए बात कर रहा है बेटा. अभी मैंने आपको बताया अगर ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन हुए तो पैरामैग्नेटिक होगा, और इवन नंबर में हुए तो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक. किसको छोड़कर? 10 और 16 को छोड़कर. 10 और 16 कैसे होते हैं? 10 एंड 16 पैरामैग्नेटिक होते हैं. यहां देखा बेटा 15, तो ये तो पैरामैग्नेटिक है. यहां देखा 14, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक. बाकी भी चेक कर लेते हैं. O2 16 16 हो गए बेटा, पैरामैग्नेटिक है. O2 माइनस कितने हुए? 17 कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक हो गया. तो अपना आंसर आ गया बेटा सेकेंड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट. अभी मैंने बताया जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता. और बॉन्ड ऑर्डर कहां कहां जीरो होता है? 4 पर, 8 पर और 20 पर. इन पर बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है. तो 10 पर तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 1. 12 पर कितना आएगा बेटा? 2. Li2 6 है. 6 पर कितना आएगा? 1 आएगा अपने पास बॉन्ड ऑर्डर. B2 4, ठीक है. 4 पर कितना मिलेगा अपने को? 0. तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. बेटा जी HF के बीच में मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है क्योंकि उनके बीच में डेल्टा एन ज्यादा होता है. तो अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. नेक्स्ट बात करें. करें इन विच ट्राइड फर्स्ट वन हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. पहले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए. अगर इनमें बात करें तो इनमें अपने को बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? यहां अपने को बॉइलिंग पॉइंट SbS3, ठीक है. फिर अपने पास आएगा ASS3 और फिर आ जाएगा अपने पास PSS3. तो इसमें तो इसका मिनिमम है. ये कह रहा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट का. तो ये पहला स्टेटमेंट तो अपना क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. सेकेंड में बात करें, इनमें भी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो HF, HBr और HCl मिलता. तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. इनमें बात करें सेंट्रल एटम की क्या होता जा रहा है? वेट बढ़ता जा रहा है. वेट बढ़ता जाएगा तो
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम किसका आएगा, इसका आएगा, फर्स्ट का मैक्सिमम होना चाहिए था। यहां बात करें बेटा जी, AlF3 आयनिक होता है, AlF3 आयनिक होता है, तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आयनिक सॉलिड है, सबसे ज्यादा कोवलेंट सॉलिड के मिलते हैं, कोवलेंट सॉलिड और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस है बेटा, कोवलेंट सॉलिड वो होते हैं जिनमें कोवलेंट कंपाउंड आपस में किससे जुड़े रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जैसे SiO2 हो गया, डायमंड हो गया, इनऑर्गेनिक डायमंड हो गया, रेड फॉस्फोरस हो गया, ये कोवलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल है। मॉलिकुलर सॉलिड कौन से होते हैं, जिनमें दो कोवलेंट कंपाउंड, जिनमें दो कोवलेंट कंपाउंड आपस में वंडरवाल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जैसे सॉलिड I2 हो गया, सॉलिड CO2 हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे मॉलिकुलर सॉलिड के एग्जाम्पल जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। नेक्स्ट बात होते हैं आयनिक सॉलिड, सबसे ज्यादा कोवलेंट सॉलिड, फिर आयनिक सॉलिड, और फिर होता है वंडरवाल सॉलिड। तो ये आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने को बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा कि फर्स्ट का सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चर। बेटा आइसोइलेक्ट्रॉनिक चेक करना है, पहले में करें ऑक्सीजन तो सेम है, कार्बन पे कितना है -2, नाइट्रोजन पे कितना है -1, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, हाइब्रिडेशन देखा sp2, इसमें भी sp2, दोनों में हाइब्रिडेशन सेम है, और शेप कैसे आएगी, प्लेनर ट्राइगोनल आएगी, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट हो गया। यहां पर सेम नहीं होगा, क्लोरीन और कार्बन का सेम है ही नहीं, यहां क्लोरीन और नाइट्रोजन का भी सेम नहीं है, यहां सल्फर और ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन आयन NO2+, NO3- एंड NH4+। NO2 में बेटा, NO2+ में हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया अपने पास, sp, NO3- में sp2, NH4+ में sp3, तो अपना आंसर आ गया sp, sp2, sp3, अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ PO बॉन्ड। ईच ऑक्सीजन एटम की बात करें बेटा, ईच वर्ड और यूज कर लेना, ईच ऑक्सीजन एटम में PO बॉन्ड की कितना है, ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज करना है। बात करें अब देखो बेटा, तीन नेगेटिव चार्ज है, ये कितने ऑक्सीजन पर घूमेगा, ये चार ऑक्सीजन पर घूमेगा, तो 3/4 हो जाएगा, ईच ऑक्सीजन पर कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.75। ईच ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ये कितना, तीन नेगेटिव चार्ज है, कितने ऑक्सीजन पर घूम रहा है, चार ऑक्सीजन पर घूम रहा है, तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा -0.75। नेक्स्ट बात करें, इन NO3- आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले बॉन्ड पेयर दे रखा बेटा, ये ध्यान रखना, पहले बॉन्ड पेयर है फिर लोन पेयर है, तो अपन बात करें NO-, तो कितने बॉन्ड है अपने पास, 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन के लिए बात की है इसने, किसके लिए बात की, नाइट्रोजन एटम के लिए बात की है, तो 4 तो बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर, तो आंसर आ जाएगा अपना 4th। Which of the following species has tetrahedral geometry? किसकी geometry tetrahedral है? इसमें बात करें tetrahedral किसमें होती है? sp3 में होती है, sp3 आ गया, इसमें sp3d है, इसमें कौन सा है? sp3d2 है, इसमें कौन सा है? sp2 hybridization है, तो tetrahedral geometry कहाँ मिलती है अपने को? BH4- में मिलेगी, किसमें? BH4-। Next बात करें, Which molecule ion out of the following does not contain unpaired electron? Unpaired electron मैंने कहा था आपको कैसे देखने हैं अपने को, अपन देख लेंगे odd number और even number से electron से देख लेंगे। यहाँ कितना है? 13 electron है, तो इसमें unpaired electron है। इसमें unpaired electron है, 13 है, तो unpaired electron है इसमें। O2 16 है, 10 है, 16 में तो होता है, इसमें भी है। O2-2 18, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। B2 में होते हैं कितने? 2 अनपेड, मैंने कहा था 10 और 16 पर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, कितने अपने पास? 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं अनपेड। नेक्स्ट बात करें,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन आर द बॉन्ड आर नॉट इक्वल. बेटा इसमें देखें सभी बॉन्ड कैसे मिलेंगे अपने को, सेम मिलेंगे क्योंकि स्क्वायर प्लेनर है, बॉन्ड एंगल सारे सेम मिलेंगे. यहां भी सारे बॉन्ड सेम मिलेंगे अपने को, ठीक है, यहां भी सारे बॉन्ड सेम है. पर C2H4 के लिए बात करें, C2H4 यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड अलग होगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने को अलग मिलेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड, सारे बॉन्ड एंगल सेम नहीं है. नेक्स्ट बात करें, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर डायामैग्नेटिक, कौन सा डायामैग्नेटिक है. N2 में बात करें 14 आ गए तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा. फर्स्ट ही आंसर आ गया अपना का 14. N2-2 में बात करें बेटा कितने हुए, 16 हुए. 16 वाला तो कैसा था, पैरामैग्नेटिक. F2+1 19 इलेक्ट्रॉन हुए, सो 19 नहीं 17 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये भी कैसा मिलेगा, पैरामैग्नेटिक. O2- इसमें भी कितने हुए, 17 इलेक्ट्रॉन हुए, ये भी पैरामैग्नेटिक. तो डायामैग्नेटिक पूछा है अपने को, डायामैग्नेटिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पीपाई डीपाई बॉन्डिंग. बेटा पीपाई डीपाई डी कब बनेगा, जब डी ऑर्बिटल हो. सेकेंड पीरियड वालों के लिए डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता, तो ये सेकेंड पीरियड का है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए पीपाई डीपाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड. नेक्स्ट बात करें, जीनोन F6 में बात करें, इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बेटा इसकी शेप कैसी आ जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल आ जाएगी. इसकी शेप कैसे आ जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल आ जाएगी. जीनोन O3 में बात करें, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल शेप आ जाएगी. जीनोन OF4 के लिए बात करें, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, परंतु इसमें एक ही लोन पेयर है, तो इसकी स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगी. कैसे आ जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगी. जीनोन F4 के लिए बात करें, तो इसकी प्लेनर स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी, तो इसकी कौन सी आ जाएगी अपने पास, sp3d2 आ जाएगा. तो देखा a का p बेटा a की ऑप्शन में है, b का r, c का s, ठीक है, d का q, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट बात करें, विच सेट कंटेन नो आयनिक स्पीसीज, किस समूह में आयनिक प्रजाति नहीं है. ठीक है बेटा, इसमें अमोनियम क्लोराइड है, इसमें आयनिक है. यहां बात करें AlF3, अभी बताया था कैसा होता है, आयनिक होता है. यहां बात करें ये कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है और ये भी कोवलेंट, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर किसमें है. यहां बात करें N2 का 13 पर कितना था बेटा, 2.5, और 2+2 कितना, 15 पर भी 2.5, दोनों में 2.5 और 2.5. F2 में कितना, 1, N2 में कितना, 3, O2 में कितना, 2, N2 में कितना, 3, C2 में कितना, 2, N2 में कितना, 3. तो अपना सेम बॉन्ड ऑर्डर किसमें मिल रहा है, फर्स्ट में मिल रहा है, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट बात करें, If y-axis is internuclear axis, then which of the following overlapping will be form pi bond? बेटा देखो दो टाइप के d होते हैं, axial और non-axial. Axial कौन से होते हैं, dx2, y2 and dz2. ये बेटा जी sigma bond का formation करते हैं, जबकि वो जो पीछे बच गए dxy, dyz, dxz, ये किसका formation करते हैं, pi bond का formation करते हैं. किसका करते हैं, pi bond का formation करते हैं. इन दोनों में बात करें, ठीक है, अब देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर वाई एक्सिस, तो उसमें डी वाले में उसमें क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, तभी वो पाई बॉन्ड बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा. अब वाई किसमें किसमें, देखो बेटा इसमें है, इसमें है, तो ये तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, कहां पर, वाई एक्सिस के ऊपर. ये दोनों पाई बॉन्ड बना सकते हैं, यहां पर कौन आए, dxy आए, और इसके साथ कौन आए, dyz आए, ठीक है, ये दोनों ही पाई बॉन्ड बना लेंगे. तो ऐसा अपने पास देखिए कहां पर मिल रहा है अपने को, सेकंड में मिल रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड. नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन फॉल्स फॉर जीनोन O2F2. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जीनोन O2F2 में हाइब्रिडेशन देखें अपन,
sp3d आ जाएगा, क्या जाएगा sp3d, तो ये बात बिल्कुल राइट है अपनी। कह रहे कंपाउंड कैसा है, पोलर है। अगर बेटा सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर हुआ तो कंपाउंड हमेशा अपने को कैसा मिलता है, पोलर मिलता है। कैसे मिलता है, पोलर मिलता है। तो इसमें एक लोन पेयर है, इसमें क्या है, चार सिग्मा एक लोन पेयर है, चार सिग्मा एक लोन पेयर, तो कंपाउंड कैसा है, पोलर है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। भी यौगिक पी वाई डी पाई बंद रखता है, याद रखना बेटा अगर सेंट्रल एटम में sp3 या उससे ऊपर का कोई भी हाइब्रिडेशन है तो जितने भी पाई बॉन्ड बनते हैं सभी पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है। कंपाउंड में पी पाई बॉन्ड कब मिलता है, sp2 में मिलता है, sp में मिलता है, पर sp3 या उससे ऊपर का कोई भी हो तो उसमें पी पाई बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो अपना रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा आ जाएगा बेटा, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इन विच मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम शो हाइब्रिडेशन इन ग्राउंड स्टेट। बेटा जी बोरोन और बेरिलियम, बोरोन एंड बेरिलियम में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, याद रखना बोरोन एंड बेरिलियम जो अपने कंपाउंड बनाते हैं वो सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट में बनाते हैं। तो BCl3 किसमें बना हुआ, एक्साइटेड स्टेट में बना हुआ, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। BCl2 में ग्राउंड स्टेट, बेरिलियम में ग्राउंड स्टेट में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये भी किसमें है, एक्साइटेड स्टेट में है। BCl3 एक्साइटेड स्टेट में। ज़ीनोन F2 की बातें करें, ज़ीनोन F2 भी एक्साइटेड स्टेट में है। H2O की बातें करें, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं, दो बॉन्ड कब होते हैं इसके पास, ग्राउंड स्टेट में, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द दिस डेटिव बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व, किसमें डेटिव बॉन्ड नहीं है। बात करें प्रोटोनेशन ऑफ इथर, प्रोटोनेशन क्या कहलाता है बेटा, H+ का अटैक। जैसे अपन बात करें इथर CH3 CH3 O, इस पर H+ का अटैक करेंगे तो यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ये लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा और ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। Al2Cl6 के लिए बात करें, ये AlCl3 का डाइमर है, इसमें ब्रिज बॉन्ड होता है जो किससे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनता है बेटा। यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ब्रिज बॉन्ड के बनेगा तब, ठीक है। HCl के जल में घुलने पर, वाटर में HCl किसमें टूटेगा, H+ और Cl-, तो ये दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा यहां पर। जबकि एसिटिक अम्ल का द्विलकीकरण, एसिटिक अम्ल क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण द्विलकीकरण करता है, कैसे बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH HO C डबल बॉन्ड O CH3। यहां द्विलकीकरण होगा वो किसके कारण होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, आयनिक करेक्टर के लिए बात करें। आयनिक करेक्टर देखिए बेटा, केटाइन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर आयनिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं। अब देखिए आयनिक करेक्टर का ऑर्डर कैसा आता, ऐसे और ऐसे आता, इसने ऑपोजिट कर रखा, तो पहला स्टेटमेंट ये अपना रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखें ध्रुवणता, ध्रुवणता साइज बढ़ने पर ध्रुवणता बढ़ती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ध्रुवण क्षमता, केटाइन का साइज छोटा है तो उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, तो एल्युमिनियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, फिर कैल्शियम की से ज्यादा होगी मैग्नीशियम की, कैल्शियम की ज्यादा होगी सोडियम से, तो अपना आंसर आ गया, ये सही है, स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बेटा इसने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बात करें अपन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा, कौन सा अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल सेंट्रल एटम सराउंडेड एटम बॉन्ड इज नॉट इक्वल, नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ के किसमें नहीं है बेटा। अपन बेंट रूल से देखते हैं, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं, बड़े होते हैं किसकी कंपेयर में, इक्विटोरियल के कंपेयर में, तो अपना आंसर आ जाएगा। इसमें sp3d हाइब्रिडेशन देखा तो इसमें दो एक्सियल हैं, वो बड़े होंगे किसकी तुलना में, इक्विटोरियल की तुलना। sp3 हाइब्रिडेशन तो इसमें भी है, पर इसमें दोनों कैसे होते हैं बेटा, एक्सियल बॉन्ड होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सियल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफाइन म्यू नॉट बी जीरो, इसमें म्यू अपने को जीरो मिल जाएगा। यहां बात करें, यहां बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड है, तो यहां इसमें sp हाइब्रिडेशन, तो ये लीनियर है, ये जीरो हो जाएगा। यहां बात करें,
ये वी शेप स्ट्रक्चर मिल रही है। मैंने आपको कहा था वी शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं जो पोलर और प्लेनर होती है, पोलर और प्लेनर होती है। तो यहां पर म्यू जीरो नहीं होगा, सेम टू सेम इसमें भी यही है, तो यहां भी म्यू जीरो नहीं होगा। तो अपने पास म्यू जीरो किसमें नहीं है, सी और डी में म्यू जीरो नहीं है, ये किसमें है बेटा, सेकंड में आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। नेक्स्ट बात करें, विच ऑर्डर आर करेक्ट, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, सल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी अभी अपने बताया था कि थर्मल स्टेबिलिटी है मल्टी एटॉमिक के लिए टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, जबकि सिंगल एटम के लिए थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होती है, डिक्रीज होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी BeSO4, MgSO4, CsO4, SrSO4, BeSO4, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम जाने पर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बेसिक नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर का स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया, क्योंकि बेसिक नेचर कैल्शियम की ज्यादा होती है मैग्नीशियम से, ठीक है, ये एम्फोटेरिक होता है, ये एसिडिक होता है। सोलिबिलिटी की बात करें, मैंने अभी बताया था हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी याद रखनी है बेटा आपको, हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों में ही इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने पर, सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है और थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में बेटा ये ऑपोजिट बना रखा है इसने, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या था, सबसे ज्यादा NaCl, फिर KCl, फिर RBCl, सबसे कम किसका आता, LiCl का, क्योंकि ये कोवलेंट करेक्टर है, कोवलेंट करेक्टर है इसमें। तो थर्मल स्टेबिलिटी अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड और सेलेक्ट करेक्ट कोड, करेक्ट कोड बता रहा है अपने को बेटा। देखिए मैच करें, बॉन्ड ऑर्डर पहले काउंट कर लें, इसका कितना 0.5, इसका भी 0.5, 1, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका जीरो आ जाएगा, ठीक है, 0.5 0.5। अब पहला कह रहा है अस्तित्व में नहीं है ए में, तो एस का अपने पास ए आ जाएगा, एस का ए दो में आ गया अपने पास। कह रहा है बंद क्रम 1/2 है, 1 दोनों का, इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, तो ए का सॉरी पी का क्या आ गया, बी, पी का बी दो में है, ठीक है, H2- इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन σ1s2 σ*1s2 ये कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ H2- में है, तो इसका क्या जाएगा, अपन इसका C भी ले सकते हैं, H2- का B आ सकता है, पर अपन ऑप्शन के आधार पर देखें तो P का क्या आ गया, B, Q का क्या आ गया बेटा, C, R का क्या जाएगा, इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर 1 या प्रतिचुंबकीय है, दे रखा है बॉन्ड ऑर्डर 1 है, प्रतिचुंबकीय होगा H2, ठीक है, तो R का आ जाएगा अपने पास D, S का आ जाएगा अपने पास A, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, क्या बन जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द स्पीसीज इन कॉलम फर्स्ट विद द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन कॉलम सेकंड, ठीक है, इसमें आप बात करें SF4 में हाइब्रिडेशन आ जाएगा बी, IF5 में SP3D2, NO2 में SP आ गया अपने पास, NH4 में SP3 आ गया, तो A का सॉरी P का क्या आ जाएगा, B, Q का आ जाएगा A, P का B, Q का A, R का D, S का C, तो अपना आंसर आ जाएगा सेकंड, आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट बात करें, मैच द स्पीसीज कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड में बात करें ज्योमेट्री, H3O+ की बात करें, इसकी पिरामिडल ज्योमेट्री मिलेगी अपने को, कैसी पिरामिडल, इसमें कैसी मिलेगी बेटा, रेखीय, sp हाइब्रिडेशन है, ClO2, ये ClL है बेटा, ClO2 में बात माइनस में बात करें, इसमें कौन सा आ जाएगा, वी शेप कोणीय आ जाएगी, और इसमें कौन सी आ जाएगी, चतुष्फलकीय, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो पी का आ जाएगा डी, पी का डी एक में है ऑप्शन, क्यू का ए, आर का बी, एस का सी, तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, आंसर आ जाएगा कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पीसीज फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है बॉन्ड ऑर्डर NO, कितने 15 पर कितना था बेटा 2.5, तो C आ जाएगा, CO कितना 14, कितना आ जाएगा 3, O2- 17, 17 पर कितना था 1.5, O2 2, तो अपना P का D इसमें है, P का C ये एक है, Q का D, R का A, S का B, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें,
मैच द आइटम गिव कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल दे रखे हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें मिलेगा बेटा? एचएफ में मिलेगा अपने को. अनुनाद रेजोनेंस ओजोन में मिलता है. आयनिक ठोस कौन से होते हैं? एलआईएफ आयनिक ठोस है. सहसंयोजक ठोस कार्बन जो होते हैं डायमंड वगैरह है. सहसंयोजक ठोस का अभी मैंने बात की थी आपसे. तो पी का क्या आ गया? डी. पी का डी, क्यू का सी, आर का बी, एस का ए. तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड. आंसर आ जाएगा कौन सा? थर्ड. नेक्स्ट बात करें, विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट? बेटा जी ऑक्सीजन नाइट्रोजन याद रखना. नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एक्साइटेड स्टेट शो नहीं करते. एक्साइटेड स्टेट शो नहीं करते. तो नाइट्रोजन तो तीन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तीन कोवलेंट और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. ऑक्सीजन दो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. तो यहां देखिए ऑक्सीजन ने कितने बना रखे हैं? छह बॉन्ड बना रखे हैं, जो पॉसिबल नहीं है. तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड. आंसर आ जाएगा ओके. नेक्स्ट बात करते हैं 46. इन विच ऑफ द ऑफ दीज कंपाउंड्स आर माइनस अपॉन आर प्लस? बेटा ये मिनिमम होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए? मिनिमम. अब केटाइन देखिए, एनाइन तो सेम दे रखा है, ये तो सेम है. तो ये मिनिमम कब होगी? जब ये ज्यादा होगा. केटाइन की साइज सबसे बड़ी किसमें है? केसीएल में. तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट. नेक्स्ट बात करें, विच डज नॉट इन्वॉल्व पीपाई डीपाई बॉन्ड? बेटा जी डी मैंने अभी बताया, सेकेंड पीरियड वाले कभी भी डी बॉन्ड डी पाई का फॉर्मेशन नहीं करेंगे. तो इसमें तो हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, पर इसमें नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में डी ऑर्बिटल नहीं होते. नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलम मैचिंग करनी है. शेप दे रखी है. आईसीएल माइनस में कौन सी शेप होती है बेटा? लीनियर शेप होती है. बी आर एफ टू प्लस की बात करें, इसमें एस पी थ्री एबिडेशन हो गया, आईसीएल टू प्लस की तरह हो गया ये. ठीक है, इसमें कौन सी आ जाएगी? कोनीय शेप आ जाएगी. CLF4 माइनस, CLF4 माइनस की बात करें तो जीनोन F4 की तरह हो जाएगी. कैसी? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, समतल वर्गाकार हो जाएगी अपने पास. AlCl4 माइनस की बात करें, चतुष्फलकी हो जाएगी अपने पास. तो देखते हैं अपन, फर्स्ट का A का फर्स्ट, B का फिफ्थ, C का फोर्थ, D का थ्री. तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड. आंसर आ जाएगा कौन सा? थर्ड. नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट? CLF3 की बात करें बेटा, CLF3 में टी शेप होती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो इसकी शेप कैसी आती है? टी शेप आती है. रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया अपना? पहला ही हो गया. NO2+ में sp हाइब्रिडाइजेशन रेखीय होगी, SF4 में सीसा होगी, जिनोन F2 में रेखीय संरचना होगी. कैसी? रेखीय संरचना होगी. तो अपना आंसर आ गया फर्स्ट. मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी इन विच बॉन्ड? बेटा अपन देखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लोन पे रिपल्शन कारण बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और सल्फर सल्फर की बॉन्ड एनर्जी अपने को ज्यादा मिलती है और बाकी में अपने को कम मिलती है. सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी? एस एस की बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी ओवरलैपिंग में. अपन देखते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ द सेकेंड स्पीसीज इज लार्जर देन द फर्स्ट? बेटा इनके लिए बॉन्ड एनर्जी क्या लिखते हैं? सी एल टू, बी आर टू, एफ टू एंड आई टू. ये कह रहे सेकेंड की ज्यादा होनी चाहिए. तो सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की. और क्लोरीन की ज्यादा किससे? फ्लोरीन से. तो अपना आंसर आ जाएगा थ्री. नेक्स्ट बात करें, विच बॉन्ड इज मोर पोलर? बेटा बॉन्ड की पोलरिटी, बॉन्ड की पोलरिटी डेल्टा ई एन से दी जाती है, जबकि कंपाउंड की पोलरिटी है वो म्यू से दी जाती है. कंपाउंड की पोलरिटी म्यू से और बॉन्ड की पोलरिटी किससे दी जाती है? डेल्टा ई एन से. तो डेल्टा ई एन अपने को सबसे ज्यादा कहां पर मिल रहा है? डेल्टा ई एन सबसे ज्यादा कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड में मिल रहा है. तो अपने को सब देखेंगे सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? सी एफ बॉन्ड सबसे पोलर होगा. नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? ठीक है, अभी अपने एनर्जी का ऑर्डर बताया था, सबसे ज्यादा किसमें होगी? सी एल टू में होगी. किसमें होगी? सी एल टू में. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी Cl2 में होगी, फिर Br2, फिर F2 और फिर I2. नेक्स्ट देखते हैं,
मैक्सिमम बोन एंगल एट सेंट्रल एटम इज 80। बेटा जी मैक्सिमम बोन एंगल कहां पर मिलता है? 180 पर मैक्सिमम बोन एंगल अपने को प्राप्त होता है। तो sp हाइब्रिडेशन किसमें अपने को मिल रहा है? CS2 में sp हाइब्रिडेशन मिल रहा है, तो मैक्सिमम बोन एंगल अपन किससे मिलेगा? CS2 में मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पेयर बोथ मेंबर हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। बेटा परमानेंट से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, अपने को डायपोल मोमेंट देखना है। बेटा वी शेप टी शेप, मैंने अभी बताया वी शेप टी शेप हमेशा कैसी होती है? पोलर होती है, ठीक है। इस दोनों की वी शेप है पहले की, तो ये दोनों ही क्या मिलेंगी अपने को? पोलर स्पीसीज मिलेंगी, ठीक है। तो अपना पहला ही आंसर आ गया। सेकेंड में बात करें, दोनों ही नॉन पोलर है। इफ सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर एंड लेटरल एटम आर सेम, देन डायपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो इन कंपाउंड, ठीक है। तो इनमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इनमें क्या होगा? डायपोल मोमेंट दोनों में ही जीरो मिलेगा। इसका जीरो है, इसका नॉन जीरो है, इसका नॉन जीरो है, इसका जीरो है, तो अपना आंसर तो कौन सा रहेगा? फर्स्ट रहेगा, दोनों को नॉन जीरो है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन बेटा, N2 एंड O2 आर कन्वर्ट टू मोनोकेटाइन N2+ एंड O2+, व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना बेटा, N2 से N2+ जाते हैं, O2 से O2+ जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 2 2.5 2.5, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो कह रहे हैं इन N2+ NN बॉन्ड बिकम वीकर, बिल्कुल सही बात है। NN बॉन्ड कैसा होता है? वीक हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। इन O2+ द O बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, राइट स्टेटमेंट है। इन O2+1 द पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज, बेटा मैंने आपको बताया था कि 10 और 16 पर मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म होती है, इतनी 2.83 होती है, ठीक है। बाकी कोई भी पैरामैग्नेटिक है किसमें? MOT में, उनमें सब में 1.73 रहेगा, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो O2 में 16 है, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। यहाँ कितना मिलेगा अपने को? 1। ये स्टेटमेंट भी सही है। कह रहा है N2+ इज अ डायमैग्नेटिक, N2+ 13 इलेक्ट्रॉन है, ओड नंबर है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया अपना थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, CO3-2 एंड CO2। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा? 3। CO2 का कितना आएगा? CO2 में बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, और कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर आता है, कैसे काउंट करोगे? 1, 2, 3, 4, 4/3 आ जाएगा, 1.33। बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्स होती है बॉन्ड लेंथ, तो अपना आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट बात करें, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाना है, बॉन्ड ऑर्डर काउंट करते हैं। Li2 बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा? 1। सॉरी, Li2 बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा अपने को? 1। N2 बॉन्ड ऑर्डर 3, B2 बॉन्ड ऑर्डर 0, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। तो ये मैच कर लीजिए आप, A का C, B का A, A का C, B का A, थर्ड का D, फोर्थ का E, तो अपना आंसर आ गया 2nd। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पूछ रखा है अपने को, विच हैव मैक्सिमम विस्कोसिटी। बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जितने ज्यादा होते हैं, विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होती है। तो गिल्स्ट्रोल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने को मिलेगी, तो विस्कोसिटी किसमें ज्यादा होगी? गिल्स्ट्रोल में विस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये अपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, सारे के सारे अपने NCERT से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। पेपर नॉर्मल जैसे नीट में आता है उसी लेवल का क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।